Shaya priya karuna nidhan ki
जननी गो माता की जय। भगवती गंगा मैया की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। हरि ओम नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरुचरण सरो Yeah।
राज सराए सजीव लगन जियाए शीर पुरीर अरशी उड़ाए रघुपति जी बहुत अंधकार रघुबर हो
Sita Ram, Hanuman, Sita.
परम कृपालु, परम दयालु, ठाकुर जानकी वल्लभ भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गो माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ऋषिकेश की इस पवित्र भूमि को दंडवत प्रणाम करते हुए पुण्य पवित्र अधिक आषाढ़ पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व को दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए महाराष्ट्र से पधारे हमारे पूज्य गोशाला वाले महाराज जी पूज्य मोहन बाबा जी इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे पथमेड़ा गोधाम के सभी कार्यकर्ता उनका अभिनंदन प्रणाम करते हुए मेरे सौभाग्य से मेरे पूज्य माताजी पिताजी
कथा में विराज रहे हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। आइए रामचरितमानस आलिंगन का यह अष्टम दिवस भगवत कृपा से मानस आलिंगन के रूप में हम लोग अपने कथा यात्रा को चला रहे हैं। शायद आप लोगों का भी जी नहीं भरता होगा और मेरा भी जी नहीं भरता है कहने से। इतना कुछ कहने की इच्छा होती है कि पूछिए मत, लेकिन विचार आ जाता है भाई ज्यादा लंबा लेने से आगे कार्य में असुविधा हो जाती है। शरीर का धर्म है, उसको समय समय पर आहार भी देना पड़ता है, पर मन करता है खूब कहें खूब कहें। भगवान ने रामचरितमानस के कथा प्रवाह में किन किन को आलिंगन प्रदान किया? वैसे आलिंगन शब्द आजकल कम प्रचलित है, ज्यादातर गले लगाना बोलते हैं या कुछ युवान भाई बहन हग हग करना बोलते हैं। किसी की भी एक बात आप मान लीजिए तो आपका उनके ऊपर अधिकार हो जाता है, स्पष्ट बता रहा हूं। मेरे भाई बहन माफ कीजिएगा, मैं स्वयं को बार बार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत इसलिए करता हूं कि शायद थोड़ा नजदीक पड़ता हूं। इसलिए कई बार कोई कार्यक्रम या कोई काम, किसी को कोई कार्यक्रम हमसे लेना होता है और हम नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कुछ ऐसे लोगों से हमको कहलवाते हैं जो बोलचाल में हमारे खास कहे जाते हैं कि भाई ये महाराज के खास, इनसे कहो, ये कहेंगे तो महाराज जी जरूर समय देंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ही खास क्यों न बन जाएं, और खास बनने का तरीका क्या, बात मानो तो खास हो गए। माफ करिएगा मेरे भाई बहन, कोई मेरे साथी युवक बुरा न माने, महाराज जैसे कपड़े पहन लिए उससे कोई खास नहीं होगा, बात मानने से खास होगा मेरे भाई, बात मानने से खास होगा, जिसने बात मानी वो खास होगा। मेरे भाई बहन भगवान की चाकरी तो अर्जुन से ज्यादा बढ़िया दुर्योधन कर सकता था। अर्जुन के पास फैसिलिटी कम थी, दुर्योधन के पास भरपूर थी। दुर्योधन तो वहां के सम्राट का बेटा था, तो भगवान श्री कृष्ण की देखभाल दुर्योधन ज्यादा कर सकता था, लेकिन भगवान किसको पसंद करते थे? अर्जुन को पसंद करते थे। और अर्जुन भगवान के लिए करता क्या था? भगवान की बात मानता था। तो हम किसी की एक बात भी मान लें तो अधिकार मिल जाता है, लेकिन हम लोग बात मानकर अधिकार नहीं पाना चाहते हैं, हम लोग बात मनवा कर अधिकार अपना साबित करना चाहते हैं। करुणा निधान, मानस आलिंगन के अंतर्गत आज मैं जिस पात्र से आप लोगों का परिचय करवाने जा रहा हूं, वह पात्र कुछ इस प्रकार का ही है। वह पात्र कुछ इस प्रकार का ही है। महाराज मानस में राम जी के जो नजदीक के हैं वो सब थोड़ा 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 अपना आग्रह रखते हैं। राम जी वन में जा रहे, राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लखन तुझे नहीं चलना है, तो लखन जी कहते ये दूसरों को कहना, मैं तो चलूंगा। भरत जी को भी भगवान ने कहा तो भरत जी भी थोड़ा कहते भगवान मन तो नहीं है, आपकी बात नहीं टाल सकता ऐसे। सब में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, पर मानस का एक पात्र ऐसा है जिसका मैं आज मंगल में नाम लेने वाला हूं, जिसने
किसी की बात नहीं टाली, किसी की बात नहीं टाली, अपनी इच्छा कभी आगे नहीं रखी, अपनी इच्छा कभी आगे। ऐसे मेरे भाई बहन, मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूं, यहां पर मानस के बड़े बड़े सब दिग्गज लोग बैठे हैं, अगर रामचरित मानस की गाय उनको बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे भाई। रामचरित मानस की गाय, करुणा निधान गाय, जिस प्रकार अपने साथ घटने वाली किसी भी अच्छी बुरी घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। मेरे भाई बहन एक बात सुन लीजिएगा, गाय कभी आशीर्वाद नहीं देती है और गाय कभी भी बद्दुआ नहीं देती। ये गाय कभी बद्दुआ नहीं देती ये बात तो आपके गले उतर जाएगी, पर गाय कभी आशीर्वाद नहीं देती ये गले नहीं उतरेगी, क्योंकि अपने तो सबको यही कहते हैं कि भाई गो सेवा करो, गो माता का अमोघ आशीर्वाद लो, और आप ये नई बात बोल रहे हो कि गाय आशीर्वाद नहीं देती। गाय कभी आशीर्वाद नहीं देती, गाय कभी भी आशीर्वाद नहीं देती महाराज। हाँ सुन लीजिए, गाय कभी भी आशीर्वाद नहीं देती। गो सेवा करने वाले को आशीर्वाद देवे और कसाई को आशीर्वाद न देवे तो मां तो दोनों की है, बेटे कुपुत्र हैं, कुपुत्रो जायते माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटे कुपुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता थोड़ी हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता तो कुमाता नहीं हो सकती। मां तो ऐसी नहीं हो सकती। सुनिएगा जरा प्राणनाथ, तो अगर गो माता गो सेवा करने वाले को आशीर्वाद देवे और जो नहीं करे उसको नहीं देवे तो कहेंगे भाई कैसी मां है, जो बेटा देता है कुछ उसकी उसको आशीर्वाद देती और जो बेटा नहीं देता मारता उसको नहीं देती है। बेटा बिगड़ सकता है पर मां नहीं बिगड़ सकती। बेटा मां के प्रति अपराध भी करे तो भी मां के मुंह से यह नहीं निकल सकता कि इसका सत्यानाश हो जाए। बेटा अपने मां के बारे में उल्टा पुल्टा सोच सकता है लेकिन मां कभी भी अपने पुत्र के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं सोचती, और खास करके जब बेटों को संग प्राप्त होता है अपनी श्रीमती जी का। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो सब अच्छे बेटे हैं, लेकिन जब श्रीमती जी का संग प्राप्त होता है इतने समय तक जिस पुत्र का जीवन ही मां के बगैर नहीं उसको लगता था, मां बिना नहीं। कहीं ऐसे लड़के हमने देखे महाराज 20-20 साल के भी मां के बिना सोते नहीं, मां के पास सोने से नींद आती है, मां जब तक हाथ से भोजन न करावे तब तक करते नहीं, लेकिन वो 25 साल के हुए 26 साल के हुए शादी हुई उसके बाद में वो मां को उसके अवगुण गिनाने लगते, मां तू थोड़ा ये ध्यान नहीं रखती, मां तू थोड़ा ये ध्यान नहीं रखती, मां तुझको ये नहीं समझता, मां तुझको ये नहीं समझ। अरे तुझको सब अब समझ में आया, चश्मा अब लगाया। तो श्रीमती जी ने चश्मा लगाया कि देखो आपकी मां ऐसी, आपकी मां ऐसी, आपकी मां ऐसी। मेरे भाई बहन मुझे विश्वास है मेरे जो इतने अच्छे अच्छे श्रोता यहां पर बैठे हैं उनमें से किसी की वृत्ति ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी के रूप में निवेदन करता हूं अपने पतियों को ऐसा चश्मा लगाओ कि माता पिता जो जैसे भी हो वो उनकी चरण सेवा कभी नहीं छोड़े महाराज, ऐसा चश्मा उनको लगाओ। कभी मेरे भाई बहन कोई वरिष्ठ लोग कभी किसी की शादी में जाएं तो वहां लड़का लड़की को पति पत्नी को वो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको एक ही बात कहिए कि भाई संकल्प करो, आज शादी तुम्हारी हो रही है, तुम दोनों एक हो रहे हो, संकल्प करो जीवन भर माता पिता के चरण नहीं छोड़ोगे। वे अपनी ओर से धकेलें कि जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है निकलो यहां से बाहर भागो तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी हनुमान जी वाली स्टाइल नहीं करने का कि मां बाप को इतना दुखी कर दो बेचारों को कहना पड़े जाओ यहां से। हनुमान जी ने जानकी जी को कहा कि भूख लगी है फल खा लूं क्या,
तो माँ जानकी ने कहा कि भाई तोड़ कर मत खाना, जमीन पे पड़े हो वो खाना। हाँ वो भाई राजा का बगीचा, रावण का बगीचा, रावण साफ सफाई रखता था बगीचे में, एक फल नहीं पड़ा। अब हनुमान जी के भूख लगी न, कैसे करें। माता जी ने कहा गिरे हुए खाना, तो पेड़ उखाड़ते न झाड़ते, वो नीचे गिरते उठा के खाते। तो ऐसे नहीं कि माता पिता को इतना परेशान कर दे, उनको कहना पड़े भाई अब तुम निकलो यहां से, वो नहीं। मेरे भाई बहन कैसी भी परिस्थिति हो, उनके चरणों से लगे रहना, उनके चरणों से लगे रहना। तो मेरे भाई बहन अपने अपने पतियों को ऐसा चश्मा लगाइए कि वे अपने माता पिता में दोष न देखे, उल्टा वो कभी आवे और कहे कि देखना जो भी आपको बोलते हो वो, देखो भाग्यवान, देखो वो कैसी माँ ये सब कह रही है, पिताजी, तो उनको कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, उन्होंने अपने लिए इतना किया, अगर हम उनके कहने से इतना कर दे तो क्या। कभी माँ ने कहा कि बेटा मेरा बहुत मन है कि गायों को गौशाला में मुझे इतने रुपयों की घास डलवानी है। बेटा जाता है ऑर्डर लेने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ले। माँ कह रही है कि मुझे गौशाला में घास डलवानी है। क्या घास डलवानी है, अभी तो पूर्णिमा को डलवाई थी, हमेशा घास ही डलवाती रहेगी क्या तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ को लगता क्या है, बोले मैं दो होठ भेड़ावे, कमान मारो धनी लावे। कह दीजिए कि बाद में कर देंगे। नहीं मेरे भाई बहन, अपने अपने पतियों को ऐसा चश्मा लगाइए कि माता पिता जो बात कहे उसको अपने लिए कायदा समझकर स्वीकार करेगी, तो अपने करना ही करना। करुणा निधान। तो बेटा कुपुत्र हो सकता है, माँ कुमाता नहीं हो सकती। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी संतों के मुंह से सत्संग में, आप लोगों ने भी सुनी होगी निश्चित रूप से, जहां तक मैं समझता हूं। एक बेटा था, उसकी शादी हुई, मां से बहुत लगाव था और मां भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी हुई, योग से पत्नी ऐसी आ गई, पत्नी ऐसी आ गई, उसको माता अच्छी नहीं लगती, उसकी माँ अच्छी नहीं लगती। अब वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलती जाती, कभी ये नहीं। और वो भी जो आदमी था, वो लड़का था, वो अपनी पत्नी में ऐसा आसक्त हो गया, पूछिए। मेरे भाई बहन एक दिन हद हो गई। क्या हद हो गई? एक दिन हद ऐसी हो गई कि उसकी पत्नी बोली कि जाओ अपनी मां का कलेजा निकाल के लाओ तो मैं भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। जाओ अपनी मां का कलेजा निकाल के लाओ तो मैं भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। वो भी अभागा गया और सचमुच जाकर के मां का कलेजा निकाल के ले आया। और पत्नी भूखी है इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है मां का कलेजा हाथ में लेकर के, मेरी पत्नी भूखी है, ज्यादा देर भूखी रही तो दुबली हो जाएगी, इसलिए दौड़े जा रहा है। अचानक चलते चलते उसको भागते भागते ठोकर लग गई, और ठोकर लगते ही जो हाथ में मां का कलेजा ले जा रहा था वो नीचे गिर गया। कलेजा कितना कोमल होता आपको पता ही होगा, शरीर का सबसे कोमल अंग होता है कलेजा। वो नीचे गिर गया और जैसे ही वो नीचे गिरा उस कलेजे में से आवाज आई, मां मर चुकी, उसका मृत मां का जो वो कलेजा वो नीचे गिर गया, उसमें से आवाज आई, बेटा तेरे को चोट तो नहीं आई, बेटा तुझे लगी तो नहीं। ये होता है मां का हृदय मेरे भाई बहन, ऐसी होती है मां। गिरा कलेजा, लगी तो कलेजे को होगी, लेकिन मां कहती बेटा तेरे को कहीं चोट तो नहीं आई। इसलिए बेटा कुपुत्र हो सकता है, मां कुमाता नहीं हो सकती। करुणा निधान। जो कसाई गाय की महिमा न समझ करके उसको काट रहा है, उसके मांस से अर्थ कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके चमड़े से अर्थ उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी दुर्बुद्धि है, उसका दुर्भाग्य है, उसका अविवेक है, उसका कुसंग है, उसकी लोभ वृत्ति है। लेकिन ध्यान दीजिए,
गाय कभी आशीर्वाद नहीं देती है। गाय के तृप्त होने से, गाय के संतुष्ट होने से जिन जिन का पोषण होता है आशीर्वाद वो देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि गाय संतुष्ट हुई, गाय तृप्त हुई, गाय सुखी हुई, तो उसको देख करके सबसे पहले सुखी कौन होगा? श्री कृष्ण सबसे पहले सुखी होंगे मेरे भाई, आशीर्वाद वो देंगे। एक पंडित जी थे, बहुत भूखे थे, उनको एक सेठ जी ने बुला के भोजन कराया। अब इतना भूखा पंडित जी, उनको बढ़िया भोजन कराया तो, पर पंडित जी कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। तो सेठ जी से रहा नहीं गया कि भाई इतना बढ़िया भोजन करा, कुछ तो पंडित जी को आशीर्वाद देना चाहिए। तो पंडित जी बोले, सेठ जी चला के बोले, पंडित जी की तो आशीर्वाद दो। तो मारवाड़ी की प्रसिद्ध कहावत है, सेठ जी ने कहा, अरे देरे पांड्या आशीष, पांड्या मतलब पंडित जी, देरे पांड्या आशीष, पंडित जी बोले मैं कही देव मारी आतड़िया देवे है। जो मैं भूखा मर रहा था, मेरी आंतें टूट रही थी, वो भोजन करने से उनको बल मिला, तो आशीर्वाद तो वहां से निकल रहा है। गाय आशीर्वाद नहीं देती है, लेकिन गो सेवा से जिनका पोषण होता है, गो सेवा से जिनको तृप्ति मिलती है, वो आशीर्वाद देते हैं मेरे भाई बहन। गाय के तृप्त श्राद्ध पक्ष में क्यों आप रोटी लेकर गाय ढूंढते हो? कुत्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते? कुत्ते तो बहुत मिल जाते हैं, कईयों के घर में ही है, टॉमिन पम्मीन जो भी। गाय ही क्यों ढूंढते? क्योंकि हमको पता है गाय रोटी खाएगी तब हमारे पितृ तृप्त होंगे। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? हमें पता कि गाय खाएगी तब हमारे पितृ तृप्त होंगे, तो गाय आशीर्वाद नहीं देगी? गाय के खाने से जो आपके पितृगण तृप्त होंगे, आशीर्वाद वो बरसाएंगे मेरे भाई। कोई भी यज्ञ कार्य हो, कोई भी यज्ञ कार्य हो, गाय का जो भाग है उसमें से, गाय का जो भाग है वो गाय ग्रहण करती है, तो वो यज्ञ सफल हो जाता है। गाय ने यज्ञ भाग ग्रहण किया तो वो यज्ञ सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, मंत्र में कहीं ऊपर नीचे हो जाए कोई स्वर, कुछ मंत्र में कोई कमी रह जाए, वेदी निर्माण में कोई कमी रह जाए, तो देवता यज्ञ भाग नहीं स्वीकार करते। अब जैसे समझो, एक बहुत बड़ा आदमी, ध्यान से सुनिएगा कृपया, एक बहुत बड़ा आदमी, उसको आप भोजन के लिए बुलाओ, तो भोजन तो भले ही आपने स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन बैठने के लिए आप उसको अखबार बिछा के मत बैठ जाओ, जिम लो, तो बताओ उसको समाधान होगा क्या? बोलिए ना, समाधान नहीं होगा। बस इसी प्रकार हम यज्ञ के माध्यम से देवताओं का आह्वान तो कर रहे हैं, मंत्र ऊपर नीचे हो जाए, देवताओं की वेदी ऊपर नीचे हो जाए, देवता नहीं लेंगे, भले आप देसी घी डालो। लेकिन गाय का जो श्री विग्रह है, गाय का जो शरीर है, श्रीअंग है, गाय का जो देह है, गाय की जो देह है, उसकी स्थिति इस प्रकार की है, गाय के देह की आकृति इस प्रकार की है कि वह सदैव सदैव पवित्र रहने वाला एक ऐसा मंदिर है कि किसी भी देवता को अन्य स्थानों पर उपस्थित होकर के अपना भाग लेने में संकोच हो सकता है, असुविधा हो सकती है, लेकिन गाय ऐसा एक मंदिर का स्वरूप है कि उसके माध्यम से कोई भी देवताओं को संकोच नहीं है अपना भाग लेने में। इसलिए गाय ने यदि कुछ स्वीकार कर लिया तो वो सब देवताओं तक पहुंच गया। मेरे भाई बहन, गौशाला का सेवक हूं इसलिए गाय की बात कहता हूं, ऐसी बात नहीं है। जिसका दामाद डॉक्टर हो वही दवाई बतावे ऐसा जरूरी नहीं होता, जिसको जानकारी है वो बताता। मेरे भाई बहन, किसी भी देवता के आप उपासक क्यों ना हो, कोई भी देवता के भगत क्यों ना, चाहे हनुमान जी के, चाहे ब्रह्मा जी के, चाहे किसी के भी, आप किसी भी देवता को संतुष्ट करना चाहते हैं, पहले आप गाय को तृप्त कीजिए। गाय के तृप्त होते ही अपने आप उन देवताओं तक पोषण पहुंच जाएगा मेरे भाई बहन। फिर आप बलि देवताओं को हलवा चढ़ाओ, चूरमा चढ़ाओ,
आपका हलवा चूरमा देवताओं तक पहुंचे न पहुंचे, आपके रिश्तेदारों के जरूर पहुंचता है, भगवान तक पहुंचे न पहुंचे उसका पता नहीं, लेकिन गाय जो भी आहार करती है उसका पोषण देवताओं को मिलता है। इसलिए जब जब भी दुष्ट लोग देवताओं को कमजोर करने की योजना बनाते हैं तो वो सबसे पहले गाय के ऊपर प्रहार करते, ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करते, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण जो है वो मंत्र का धनी है, ब्राह्मण मंत्र का धनी है, और गाय जो है वो हव्य की धनी है। गाय के बिना ब्राह्मण अधूरा है, ब्राह्मण को बल गाय के बिना मिल नहीं सकता। तो जब भी दुष्ट लोग धरती पर अत्याचार करते हैं तो वो गाय को और ब्राह्मण को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, गाय कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहती। हां यह जरूर कहूं कि इस देवों देवताओं के संतुष्टि का माध्यम, हमारे मनोरथों की पूर्ति का माध्यम गौ माता बनती है, इसलिए हम लोगों को श्रद्धा गौ माता में है। प्राणनाथ सुनिए, तो मैं जिस पात्र का आज निवेदन आप लोगों के आगे करने जा रहा हूं वो पात्र ऐसा है, मैं क्या उसके बारे में बोलूं, कुछ बोलने जैसी बातें भी नहीं है, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं, खुद को कभी जाहिर किया ही नहीं। लेकिन अगर विलग विलग ग्रंथों में आप देखें, मानस का सबसे सक्रिय पात्र भी वही है। मेरे भाई बहन, मैं आपको कहता हूं कार्य खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने मन में ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमने कार्य किया है तो हमारा ही नाम इसमें आगे होना चाहिए कि ये नहीं किया, ऐसे कभी वृत्ति न रखे। उल्टा सोचे कि काम भले ठाकुर जी हमसे करावे, नाम औरों का हो। करुणा निधान, यदि सचमुच भगवान के अंश हैं तो फिर ऐसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि तो भगवान को देखिए, एक छोटा पंखा लगा के भी हम अपना वो नहीं छोड़ सकते, लगाने का क्रेडिट बोलते क्या बोलते उसको, वो नहीं छोड़ सकते। मैं कई बार आप लोगों को कथा में सुना चुका हूं, एक हॉल में पंखा लगा हुआ था, पंखे के ऊपर सब जिसने दान दिया ना उसका नाम लिखा हुआ, रामलाल जी ने प्रेमलाल जी की याद में, उनके बेटे रमेश दिनेश सुरेश अमित सुमित प्रमिल इन्होंने दिया, पूरा पंखो ले, वो पंखुड़ियों में जगह भर गई तो बीच का सेंटर है ना उसमें थोड़ा लिखा। अब हॉल में जाकर बैठे सब भक्त लोग बैठे, पंखा नहीं चले, पंखी से हवा खाओ पंखा नहीं चले। अब जो भाई को कहा, भाई पंखा तो चलाइए, भाई लगाने वाले भाई साहब बैठे थे, बोले महाराज पंखा चलेगा नाम पढ़ने में कैसे आएगा, पंखा चलेगा नाम पढ़ने में कैसे आएगा बता, कहीं नहीं चूकते महाराज। एक 5-10 रुपया की ग्लास भी हो तो उसके ऊपर भी उसने उसकी 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 याद में करुणा निधान। और हमारे ठाकुर जी ने कितनी बड़ी सृष्टि बनाई, कहीं एक जगह भी अपना नाम उल्लेख किया, देखिए जिसने कहीं पर अपना नाम लगाने की चेष्टा नहीं की उसका नाम पूरा जगत जानता है, और जिन लोगों ने बना बना के अपने नाम लिखा है उन नामों का कोई पूछने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। बड़े बड़े किले, बड़े बड़े राजभवन राजमहल जिन लोगों ने बनाए आज उनको जानने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं। लेकिन जिन परमात्मा ने ये बड़े बड़े शिखर बनाए और कहीं अपना नाम नहीं किया उनको सब जानते, उनको सब पूछते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, अपनी प्रवृत्ति ऐसी रहनी चाहिए। मौन कार्यकर्ता जिसको कहा जा सकता है, बोलते नहीं लेकिन कार्य करते हैं, ऐसे करुणा निधान। कई लोग कार्य करते हैं करने के बाद बोलते हैं,
कुछ लोग कार्य से पहले इतना सारा बोल जाते हैं कि काम तो को भगवान भरोसे होता है, काम का वर्णन इतना हो जाता है, वो मेरे तरीके के होते हैं। हम भी इसी प्रकार के काम का वर्णन इतना सारा कर देते हैं, उसमें से काम वो कर नहीं पाते 10%। मेरे भाई बहन, लेकिन श्रेष्ठ कौन होता है? जो कार्य संपादित करता है लेकिन कहीं भी अपने को ज्ञापित करने की इच्छा नहीं करता है, अपने को कार्य के साथ स्थापित करने के लिए या कार्य के नाम में स्वयं को स्थापित करने की इच्छा नहीं करता है। मेरे भाई बहन, कई बार ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो खूब बड़ा बड़ा कार्य करते हैं लेकिन कभी इच्छा नहीं प्रकट करते हैं कि हमारा कुछ ऐसा हो, हमारा कुछ ऐसा। और कई कई जगहों पर मेरे भाई बहन, मान लीजिए 500 रुपए दिए और कहीं नाम बोला गया, सरनेम गलत बोल दिया, वो झगड़ा शुरू हो जाता है, ऐसे कैसे किया, यूं कैसे किया, ऐसे। और कहीं पर मेरे भाई बहन बड़े से बड़ा समर्पण करने के बाद में भी उसका कहीं कुछ विषय नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति मानस में भी एक पात्र है जिनकी रही, जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया, अपना सब कुछ लगाया। और मेरे भाई बहन देखो, एक एक बात और बोलता हूं, बोले जिना कांकरा ही बिके, जो बोलते हैं ना वो अपने कंकर भी बेच देते, और नहीं बोले होना चीना ही पड़िया रहे, जो बोलना नहीं जानता वो चने भी हो तो नहीं बिकते। तो मेरे भाई बहन, वो पात्र बोला नहीं तो उसके बारे में भी किसी ने बोला नहीं, वह पात्र भी नहीं बोला तो उसके बारे में भी कोई नहीं बोला। लेकिन मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा कृपया मेरी बात को। मैं कई बार मेरे साथियों के साथ इस बात को कहता हूं, अस्तित्व नाम की एक चीज है, अस्तित्व नाम, अस्तित्व, अस्तित्व माने आधार, बेस। हमने कोई कार्य किया है, भले ही उस समय उस कार्य को कोई महत्व न दे, भले ही उस कार्य के कारण हमारी बड़ाई ना हो, हमारे को पूछने वाला कोई ना हो, लेकिन यह निश्चित मानिए, अस्तित्व जो है वो आपको आपके कार्य का यश दिलाए बगैर नहीं रहेगा, यह पक्की बात है। आपने किसी संस्था के लिए कुछ कार्य किया, आपने किसी मिशन के लिए काम किया, लेकिन उस संस्था में अथवा उस मिशन में आपका कोई उल्लेख नहीं हुआ, उसमें कोई आपकी बड़ाई नहीं हुई। आपने किसी ग्रुप के साथ काम किया, आपने कुछ कुछ लोगों के साथ मिलकर के अच्छा काम किया, लेकिन उसमें आपकी बड़ाई नहीं हुई, आपको यश नहीं मिला, एक तरह से आपको भुला दिया गया। ये उन लोगों की चूक हो सकती है, लेकिन अस्तित्व नहीं चूकेगा, प्रकृति नहीं चूकेगी, वो किसी न किसी माध्यम से आपको यशस्वी बना करके छोड़ेगी मेरे भाई बहन, यशस्वी बना करके छोड़ेगी मेरे भाई। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अपने अच्छे कार्यों के लिए जगत की प्रशंसा की इच्छा मत कीजिए, आप अपने अच्छे कार्यों के लिए संसार की बड़ाई की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रकृति जो सबके कार्यों की समीक्षा करती है, अस्तित्व जो सबके कार्यों का लेखा जोखा तैयार करता है, आपको यश दिलाने की व्यवस्था वो करेगा, आपको यश दिलाने की व्यवस्था वो करेगा। मेरे भाई बहन, ऐसे उदाहरण सैकड़ों संसार में मौजूद हैं। अभी महाराष्ट्र की घटना बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति जो एक शुगर मिल में समर्पित भाव से काम करता है, समर्पित भाव से यानी सिर्फ अपने आप को कर्मचारी मानकर नहीं, अपितु उसके प्रति अपनापन रखते हुए अपने पसीने से सींचता है, जबकि उसको मिलना वही है, उसको मिलेगी उतनी ही तनख्वाह,
लेकिन फिर भी उसने मन से सींचा उसको, लेकिन उसके जो मालिक थे उन्होंने उसकी कद्र नहीं की। उसने पसीने से सींचा, कभी इच्छा नहीं करी कि मैं इतना ज्यादा कर रहा हूं, तो कभी मिल में काम ज्यादा रहा तो वो रात रात भर रुका, लेकिन वो नहीं मांगा कि मैं रात भर रुका तो मुझे ज्यादा दो, काम को अपना समझा। लेकिन उसके मालिकों ने उसकी कद्र नहीं करी। और आज स्थिति क्या बनी आपको पता है? उसका बेटा पढ़ लिख के होशियार बना और आज उसका बेटा उसका मालिक है शुगर मिल का। मिल बीच में बंद हो गई, उस लड़के ने खरीदी, उसके लड़के ने खरीदी। अब बताइए, कल को कुछ समय पहले जो व्यक्ति मजदूर की रूप में वहां घूमता था, आज वही आदमी वहां मालिक के रूप में घूम रहा है। ये प्रकृति ने न्याय किया। इसलिए आपने किसी संस्था के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी मिशन के लिए यदि आपने त्याग किया है, आपने समर्पण किया है, तो लोग उसको कैसे आंकेंगे, लोग उसका क्या वो करेंगे, वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रकृति आपके लिए सदैव सहायक होगी मेरे भाई, वो आपको आपके कार्य का असली फल प्रदान करेगी। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन, रामचरितमानस का वह पात्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भले ही रचनाकार कहीं कहीं पर इतना विस्तार रूप से नहीं कह पाए, लेकिन मेरे भाई बहन बिना उनका स्मरण किए राम कथा पूरी हुई है ऐसा नहीं लगता। जिस प्रकार भोजन में गोग्रास न निकले, रसोई घर से गोग्रास न निकले, तो रसोई घर का सारा भोजन बेकार है। बिना गोग्रास के खाना अपना पाप भक्षण करने के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, मैं स्मरण करा रहा हूं, आज मानस की काफी चर्चा हम लोगों ने करनी है, इसलिए अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन जिस प्रकार मन में सोच लीजिए, अपने अपने मन में उनका मंगलमय नाम बहुत लोगों ने सोच लिया है, बिना बोले रह नहीं सकते, इसलिए मुझे हिंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होता है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं हो, गलत कुछ नहीं, विचार न रखे। लेकिन जिस प्रकार भोजनशाला में, रसोई घर में गोग्रास न निकले, रसोई घर में गोग्रास न निकले तो रसोई घर की पूरी रसोई बेकार है, भोजन में गोग्रास न निकले तो पूरा भोजन बेकार है। ऐसे ही राम कथा में उनका उल्लेख न हो तो राम कथा का कोई सार नहीं। भले ही वो पात्र मौन है, भले ही उसकी अधिक चर्चा नहीं है, भले ही उसने कहीं पर खुद को नहीं ज्ञापित किया है, लेकिन उसका समर्पण आज हमको बोलने के लिए विवश कर रहा है। उनका त्याग, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका वह दिव्य जीवन हमको आज मजबूर कर रहा है उनका नाम उच्चारण करने के लिए। रह नहीं सकते, उनका स्मरण किए बिना कथा अधूरी अधूरी सी लगेगी। ऐसे धन्य मानस के पात्र हैं श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज राम जी के सबसे छोटे भैया, सबसे छोटे भैया, कहीं उनका कुछ नहीं, सब लोग राम भरत करते या थोड़ा बहुत लखन, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, भरत भरत, शत्रुघ्न, बिना शत्रुघ्न के सब। मेरे भाई बहन आपको पता है, भरतलाल जी तो राम जी के वीरे में इतने डूबे थे कि पूछिए मत। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहते थे, उसमें भी जमीन में गड्ढा खोद करके उसके और अंदर, कैसे राज्य चले? पीछे से ध्यान रखने वाले एकमात्र शत्रुघ्न कुमार जी। तीनों माता इतनी दुखी, सबको संभालने वाले कौन? शत्रुघ्न कुमार जी। अरे भाई, सब तो राम भक्त नहीं थे, बहुत सारे लोग अयोध्या के प्रति कुदृष्टि भी रखते थे, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया मौका था,
बड़ा भाई गया जंगल में, छोटा भाई रो रहा है, बैठा है जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके। एक और लखन जी गए साथ में, बहुत बढ़िया मौका था आक्रमण करने का, उस अयोध्या की सीमाओं को नष्ट करने का, लेकिन किसने संभाला? शत्रुघ्न कुमार जी ने। जानकी जी साथ गईं, पीछे लखनलाल जी की अर्धांगिनी, भरतलाल जी की अर्धांगिनी, उनको कौन बल देने वाला, कौन उनके साथ उनको उनको समाधान देने वाला? सिर्फ अकेले शत्रुघ्न कुमार। मेरे भाई बहन, भरतलाल जी तो बात बात में रो पड़ते थे घर में। मेरे भाई बहन, एक पात्र ऐसा भी चाहिए होता है, यदि घर के सब लोग भावुक होंगे तो काम नहीं चलेगा। भावुकता उन सब में ही होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में वो अपनी भावुकता को रोक करके और विवेक का उपयोग करके समाधान देवे, संभाल कर सके सबकी। तो भरतलाल जी तो थोड़ी बहुत बात होती थी रो पड़ते थे, अधीर हो जाते थे। श्री शत्रुघ्न लाल जी अपनी अधीरता को रोकते थे, अपनी भावुकता को रोकते थे, अपने विरह को रोकते थे। प्रेम शत्रुघ्न लाल जी का भी कम नहीं था राम जी के चरणों में, प्रेम शत्रुघ्न लाल जी का भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक के रखते थे, मां को सांत्वना देते थे, मां राम जी जल्दी आने वाले, भैया जल्दी आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे मानस के पात्र श्री शत्रुघ्न लाल जी, आठवां आलिंगन उनको प्राप्त हुआ। बाल कांड राम जी के विवाह तक हो जाता है, उसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। तो आज की हमारी कथा अयोध्या कांड से प्रारंभ होगी, उसके पूर्व बाल कांड का उपसंहार की चौपाइयां बड़ी अच्छी है, वो जरा कहता हूं। छंद बालकांड का तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावन करण कारण राम जसु तुलसी करो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने ये जो कथा गाई है, मैंने ये जो कथा सुनाई है, कोई प्रशंसा पाने के लिए नहीं, प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, खाली अपनी वाणी पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी करो, रघुवीर चरित विवाह जे प्रमेश जे सप्रेम गावई सुनहिं, तिनकउ सदा उत्साह मंगलायतन राम जस। श्री राम जी का प्राकट्य, उनकी बाल लीलाएं, उनके विवाह की ये सब चर्चाएं, ये जो लोग भी सुनेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्साह ही उत्साह रहेगा, उत्सव ही उत्सव रहेगा। अपने भगवान को रोज दूल्हा ही समझिए। जगत का आदमी जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है, बहुत माथा फोड़ी करके, भाग दौड़ करके, जोड़ तोड़ करके, कुछ सच्चा बोल के, कुछ झूठ बोल के, जैसे तैसे
जगत का आदमी एक बार दूल्हा बनता, लेकिन भगवान तो नित्य दूल्हा है। क्यों है नित्य दूल्हे, क्यों है भगवान? क्योंकि इस भूमंडल पर जितनी जीवात्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा के चरणों की दासी होना चाहती है। हर एक व्यक्ति भगवान का दास बनना चाहता है। कौन है भाई अपने में से नहीं और भी कोई? भगवान को कोई माने या न माने, पर भगवान का मालिक कोई नहीं बन सकता। कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान से भी ऊपर हूं, भगवान का भी मालिक हूं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो हर एक जीव का लक्ष्य उनके चरणों को पाना है, हर एक जीव का लक्ष्य उनको प्राप्त करना है। और जिन जिन के मन में उनको पाने की इच्छा है, जिन जिन के मन में उनको पाने की इच्छा है, वो रोज तरीके ढूंढते रहते हैं क्या करने से वो मिलेंगे, क्या करने से वो मिलेंगे, क्या करने से वो मिलेंगे। महाराज, किसी ने कहा गंगा जी जाइए, गंगा किनारे जाकर सत्संग करिए, भगवान मिलेंगे। तो आ गए गंगा जी, लो अब यहां काम नहीं पटा तो घर जाएंगे। फिर थोड़े दिनों बाद कोई कहेंगे कि भाई भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ, भगवान तो वृंदावन की गलियों में घूमते, फिर वृंदावन जाएंगे, वहां चक्कर निकालेंगे। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, गाइए आपको आनंद आएगा। हे मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, हे मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जा हमारे दिल में है, ओ यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, मिल जाओगे आप कहीं छाएंगे बन बन खा
मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, हम ढूंढ ही लेंगे कहीं प्रभु। दो आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, भिखारी जो समझदार होते हैं वो उसी समय भीख मांगते हैं जब सामने उसके कोई और खड़ा हो। अब वो भिखारी बार बार कहते हैं, भाई साहब एक 5 रुपए दे दो, भाई साहब चाय पी लिए, भाई साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, भाई साहब अरे जाओ। पर वो बार बार कहता, भाई साहब अन्नदाता दे दीजिए, भाई साहब दे दीजिए। वो बार बार जब कहता है तो उसको तो शर्म आनी रही है, और जिसको कह रहा उसको शर्म आने लगती है, यार बार बार कह रहा, ले चल जा। बस इसी प्रकार मेरे भाई बहन, अपने में शर्म होती थी तो अपन भगवान के लायक बनते थे, तो लायक तो भगवान के है नहीं, बस पीछे पड़ जाइए, भगवान 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 करते जाइए, नाम लेते जाइए उनका, अपने शर्म है नहीं। पर वो बड़े आदमी है, उनको शर्म आने लगे, ये कब से चिल्ला रहे हैं। अपने में शर्म होती तो अपन अच्छे बनते थे, बढ़िया जीवन जीते थे, बढ़िया चरित्र बनाते थे, बढ़िया संगति करते थे, पर वो तो अपने से एक भी बैठा नहीं। सबसे सीधा उपाय लगा, भाई गंगा नाव पाप बहो, चलो भाई गंगा में डुबकी लगाई, गर्मी भी भागी, पाप भी भागे, वाह। अपने शर्म है नहीं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो, मैं मेरी बात करता हूं, अपने में तो शर्म है नहीं, लेकिन भगवान को शर्म आने लगती है बार 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 बार। और उसमें भी अगर साथ में कोई बड़े आदमी के श्रीमती साथ में हो तो वो और ज्यादा कहते, कई है मैडम दौक नहीं आकर, पति पति उल्टा गिनाता है कि तू जानती नहीं ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये जाके अभी बीड़ी पिएंगे, ये अभी जाके ऐसा करेंगे वो करेंगे, तो पत्नी कहती करेंगे जो करेंगे, अपने दो तो सही, इस कब से बोल रहा जो करेगा सो करेगा, आप तो दो। बस इसी प्रकार मेरे भाई बहन, अपने भी भगवान के पीछे लग जाना चाहिए, नाम लेते जाइए, भगवान भगवान राम राम सीता राम राधे श्याम, जो आपको अच्छा लगे, जिस जो तरीका लगे उस तरीके से पीछे लग जाइए, अपने में शर्म है नहीं, भगवान को शर्म आएगी तो कृपा करेंगे, और उनको शर्म नहीं आएगी तो श्री राधा रानी या श्री जानकी जी वो कहेंगे अब कब से चिल्ला रहे हैं, या 9 दिन हो गए आकर बैठे, इनको निपटाओ ना, आगे वापिस भेजो इनको। सब भक्त तुम्हीं को खुद शर्माओगे, तब आप ही खुद शर्माओगे। कथा में कभी कभी कोई बच्चा रोने लग जाता है ना, तो माइया कहती इन्हीं माँ कौन है, इन्हीं माँ कौन है, इन्हीं माँ कौन है। बहुत समय तक तो माँ बोलती नहीं है, सोचती छोरा चुप हो जाए तो ठीक, लेकिन जब बहुत देर तक लोग कहने लगते इसकी माँ कौन है, कौन छोड़ गया ये बच्चा रो रहा है, इसकी माँ कौन है, तब माँ को शर्म आने लगती है, और माँ फिर बीच में से उठ के आती है कि मेरा छोरा है।
बस ऐसे ही मेरे भाई बहन अपने भी भगवान का नाम ले लेकर के रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ, आखिर सब बोलेंगे भाई ये कौन है, ये किसके लिए रो रहा, कौन है इसका मालिक, कौन है इसका मालिक, कौन है इसका मालिक। तो बहुत देर तक भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर तो उनको उठ के आना ही पड़ेगा, हमको गले लगाना ही पड़ेगा। मेरे सब भक्त तुम्ही को हेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, सब भक्त तुम्ही को हेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे। आप ही खुद शर्माओगे, तब आप ही खुद शर्माओगे, फिर मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमो भाई बहन, भगवान नित्य के दूल्हा हैं, क्योंकि कोई ना कोई जीव रोज पहुंच जाता भगवान के पास पानी ग्रहण करने के लिए। इसलिए जो लोग इस प्रसंगों को याद करते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्सव बना रहता। मेरे भाई बहन, श्री ठाकुर जी के चरणों में, गंगा माता के चरणों में आप सबके लिए यही विनंती करता हूं, आप सबके जीवन में हमेशा उत्सव बना रहे, हमेशा उत्सव बना रहे। ऐसी कृपा भगवान की हो कि एक के बाद दूसरा उत्सव आवे, दूसरे के बाद तीसरा उत्सव आवे, आपके चिंतन में हमेशा उत्सव बना रहे। अब यहां रामकथा महोत्सव हुआ, अब इसके बाद में आप सब गो कृपा महोत्सव की तैयारी में लग जाए। मेरे भाई बहन, अभी से अपना सोचना शुरू कर दे, भाई गो कृपा महोत्सव में जाना है, वहां ब्याह देखेंगे, वेंकटेश भगवान का ब्याह देखेंगे, श्रीनाथ जी के मनोरथ देखेंगे, इतने सारे ब्राह्मण देवता 1008 ब्राह्मण पाठ करेंगे वो देखेंगे, हजारों गाय देखेंगे, हजारों साधु संत देखेंगे, कथा सुनेंगे, मलुक वाले महाराज जी की कथा सुनेंगे, इतने बड़े बड़े संत आएंगे उनका संकीर्तन सुनेंगे, उनसे भजन सुनेंगे, उत्सव देखेंगे, ये अपने मन में मनोरथ बनाना शुरू की थी। फिर ये होगा ना पीछे पीछे और कुछ, पूरा जीवन उत्सव में बीत जाएगा। मेरे भाई बहन, उत्सव में बीत जाए मेरे भाई बहन, और भगवान, मेरे भाई बहन जो जीवन भर ऐसे भगवत उत्सवों में रमे रहते हैं, उनका मेरे भाई बहन भगवान के पास जाना भी एक उत्सव बन जाता है। मेरे भाई बहन, आइए अयोध्या कांड प्रारंभ होता है, हम उसको उसके श्लोकों का गान करके और थोड़ा आनंद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान विद्याकांड, यस्यांके च विभाति भूधर सुदा देवापगा मस्तके
बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराम सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशि निव श्री शंकर पातु प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथानं ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय जब ते राम Thank you.
आज मन होवे सफल सफलता श्री राम जय राम जय आवाज दमदार है, अगर आपकी आवाज बुलंद है, खूब जोरदार उसमें से साउंड निकलता है, तो उसका सदुपयोग औरों को धमकाने के लिए मत करिए, औरों को डराने के लिए मत करिए, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए करिए। मेरे भाई बहन, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए उसमें बहुत प्रेम से। करुणा निधान श्री हनुमान जी महाराज, जब हनुमान जी महाराज देखिए आप, क्या अद्भुत उनकी आवाज थी। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जला करके निकल रहे थे तो जोर से हुंकार लगाई महाराज, उस समय जो राक्षसियां गर्भवती थी, यानी जो राक्षस उनके पेट में तैयार हो रहे थे, उनको वो भी, उनका भी कल्याण हो गया। महाराज हनुमान जी ने कहा कि तुम बाहर आके अपने कल्याण की क्या करोगे तैयारी, तुमको यही तुम्हारा कल्याण कर देते। मां के गर्भ में ही उनका कल्याण कर दिया हनुमान जी महाराज ने। देखिए महाराज, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, उनके पुत्र भगवान श्री राम, लेकिन रोज स्नान करने को तालाब पर, वहां क्षमा कीजिए, सरयू जी पर पधारते, सरयू जी के ऊपर पधारते। मेरे भाई बहन, जो जो लोग जो बड़े होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनको कोई ना कोई प्रसंग के माध्यम से छोटे व्यक्ति तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता स्वरूप की वो ही बता सकते हैं। यदि वो सिर्फ सुपरवाइजर लोगों को बुला बुला के पूछेगा, बताओ भाई कैसा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार,
लेकिन वास्तव में कार्य की वास्तविकता उनको जाननी हो तो छोटे छोटे लोगों से पता करना चाहिए, भाई बताओ। तो श्री राम जी, दशरथ जी महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन सरयू जी में स्नान करने को जाते, क्या होता है, आते जाते कोई ना कोई सामान्य व्यक्ति जो भी हो, क्योंकि राजभवन में तो हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसे जब वो आते जाते हैं तो अपने मन की बात कोई भी कह देता है। अपने गुरु जी की पूजा करने को दशरथ जी पैदल जाते हैं, यू नहीं कह कार सीधी महाराज रे कमरे बारे गुरु जी के कक्ष के एकदम ऐसे नहीं, कुटिया में बस, अपने राजभवन से गुरु जी के आश्रम तक दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट प्रतिदिन पैदल जाते हैं पूजा करने के लिए। रथ अहंकार का प्रतीक है, रथ जो है वो, मैं रथ में बैठकर राजा की तरह नहीं जाऊं, मैं उनका शिष्य हूं, सेवक हूं, तो उस तरीके से जाऊं, तो पैदल जाते हैं। और ये सब करने से होता क्या है, प्रजा के जो लोग हैं वो अपनी बात आराम से बिना किसी रोक टोक के राजा तक पहुंचा पाते कि ये हमारे ये समस्या है, हमको ये बात है। तो श्री राम जी जब जाते हैं सरयू स्नान के लिए, सब अयोध्या के नागरिक दर्शन करते श्री राम जी का, इतना आनंद होता है अवध में, सारी रिद्धि सिद्धि सब संपत्तियां सब आकर अयोध्या में रहने लगी। मेरे भाई बहन कोई याचक नहीं रहा अवध में, कोई याचक नहीं रहा, करुणा निधान कोई याचक नहीं रहा। बड़े सुंदर सुंदर गोष्ठ हैं जहां असंख्य गोधन हैं दशरथ जी के यहां, बड़ी बड़ी अश्वशालाएं हैं, करोड़ों की संख्या में घोड़े हैं, बहुत बड़े हाथी हैं सुंदर सुंदर, बड़ा लंबा चौड़ा वैभव है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज मन में सोचते हैं प्राणनाथ कि अब मुझे यह राजपाट जो है राम को सौंप देना चाहिए। श्रवण समीप भय सित के सा मन उजरठ पनु अस उपदेश। कान के पास में सफेद बाल देखे, किसी के भी सफेद बाल आते हैं ना तो सबसे पहले कान के पास आते हैं, बाद में दूसरे में, हालांकि कई बार कोई और कारणों से भी आ जाते, युवकों के भी आजकल सफेद बाल आ जाते, वो तो युक्ति करते हैं वो कुछ कलर वलर लगा के, लेकिन आ जाते हैं कोई कारण से, हो सकते हैं। इसलिए प्राणनाथ, लेकिन ध्यान दीजिए, वो संकेत होता है कि भाई अब अपने कल्याण की कोई ना कोई युक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। प्राणनाथ, इंद्रियां अब अपनी पूर्व स्थिति में नहीं है, जैसी युवावस्था में हमारी इंद्रियां जितनी बलवान थी, जैसी स्थिति में थी, अब उस स्थिति में नहीं है। अब इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाए, एकदम शरीर डाउन हो जावे, उससे पहले पहले अपने कल्याण के लिए जो भी योग बने, जो भी युक्ति बैठे वो करनी चाहिए, ऐसा संकेत वो कान के समीप सफेद बाल आकर करते। समझिए मेरे भाई बहन, जब लगे कि इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, तुरंत सोच लेना चाहिए कि अब यह जीवन जो है राम जी को सौंप दे। दशरथ जी ने भी देखा कि भाई अब बुढ़ापा आ रहा है, तो अब यह राज्य जो है मुझे राम जी को सौंप देना चाहिए, और श्री रघुनाथ जी को मैं राजा बना दूं, युवराज बना दूं, ऐसा दशरथ जी के मन में इच्छा हुई। और दशरथ जी ने अपनी यह इच्छा वशिष्ठ मुनि को जाकर के कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में ऐसी ऐसी भावना आई है प्राणनाथ। तब वशिष्ठ मुनि बोले, राजन मेरे मन में भी यही इच्छा चल रही थी, बस मैंने कहा नहीं, आपने कह दिया। और मेरे भाई बहन, जब दशरथ जी को लगा कि गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है, दशरथ जी महाराज भले ही चक्रवर्ती सम्राट थे पर खुद को मालिक नहीं समझते थे, वशिष्ठ जी को मालिक समझते थे, वशिष्ठ जी को अपना मालिक समझते थे,
कितना बड़ा गुरु के प्रति उनका समर्पण था, कितना अनुराग था गुरु जी के चरणों में, ये देखने जैसा है। महाराज मेरे मन में ऐसी बात आई, आप आज्ञा दें, आपको ठीक लगे तो ये हो। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो तुरंत दशरथ जी ने कहा, महाराज बताइए फिर मुहूर्त कौन सा बढ़िया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुवराज। जिस दिन राम जी राजा बनते हैं उसी दिन सब बढ़िया मुहूर्त है, अलग से कोई पत्रिका देखने की जरूरत नहीं, अलग से कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुवराज, राम जी को जब राजा बनाओ तब बढ़िया है। अब तो कहना ही क्या, राजा आनंदित हो गए, सबको बुलाया और सबको शुभ समाचार दिए कि मैं राम जी को कल युवराज पद देने वाला हूं। आहा, कहना ही क्या है, इतना सुनते ही तो सब खुश हो गए। मेरे भाई बहन, सूखे पेड़ को बरसात का पानी मिलने पर कैसे हरा हो जाता है, ऐसे अयोध्या के सब नागरिक प्रसन्न हो गए। सब चाहते थे कि राम राजा बने, राम राजा बने। करुणा निधान श्री सीताराम जी के राज्याभिषेक की खबर सुनकर के पूरी अयोध्या सजने लगी, आनंद ही आनंद हो गया। अब सब जगह समाचार पहुंचाए जाने लगे। ठीक उसी समय वशिष्ठ मुनि गए, उन्होंने जाकर राम जी को यह समाचार दिया कि राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, आज तुमको इन नियमों का पालन करना है। महाराज श्री रघुनाथ जी गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव ये कैसी अनुचित बात हो रही है, उचित वंश या अनुचित एक हो, वंश इतना बढ़िया है, ऊंचा वंश है और ये अनुचित कैसे हो रहा है। हमारा जन्म साथ हुआ, ब्याह साथ हुए, सब काम साथ में हुए, तो राजा मुझे अकेले को क्यों बनाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मेरे भाई बहन, राम जी को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा है, युवराज बनाया जा रहा है, पर राम जी की, राम जी के मुखारविंद पे कोई इस बात की वो नहीं दिख रही है कि ओहो मुझे बनाया जा रहा, तो हो उनके चेहरे पर किंचित मात्र भी उस बात की कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में राम जी के उसी मुखारविंद की स्तुति करी कि राज्य प्राप्त करने का समाचार पाकर जिनके चेहरे पर कोई विशेष हर्ष नहीं हुआ, और उसी समय कुछ समय बाद वन गमन की बात सुनकर के भी जिनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसे जो राम है उनका मैं स्मरण करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सबकी इच्छा है राम, इसलिए तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए। अब राम जी तो बार बार भरत जी को याद कर रहे हैं, बिना भरत के ये सब क्या काम का, बिना भरत के ये सब क्या काम का। और इधर मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने जाकर कौशल्या जी को, कौशल्या जी के राजभवन में समाचार पहुंचा दिए, सुमित्रा जी के पहुंचा दिए। केकई जी के प्रति श्री दशरथ जी महाराज का थोड़ा विशेष लगाव था, तो दशरथ जी ने कहा कि नहीं, उनको तो जाकर के मैं खुद कहूंगा, हाँ उसको ये शुभ सूचना मैं स्वयं जाकर के दूंगा। ये सोच करके दशरथ जी महाराज ने उनको कहा नहीं, और फिर वो कुछ तैयारियों में लग गए। ऐसा कई बार हो जाता है महाराज, कई बार हो जाता है, जो हमारे सबसे निकट होते हैं हम सोचते हैं उनको हम खुद कहेंगे, हम खुद कहेंगे, और हम खुद के चक्कर में वो रही जाते हैं। तो दशरथ जी ने भी सोचा कि केकई मुझे प्रिय है, उसको तो मैं जाकर के खबर दूंगा। लेकिन इतने में महाराज देवताओं की मति घूमने लगी। देवताओं ने सोचा कि अरे भाई, भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए तो अयोध्या में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और ये जाएंगे नहीं ना रावण यहां आएगा नहीं, तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा, हमारे तो सांसें अटकी हुई है, हम तो जी इसी आस में रहे कि राम जी आए तो मारेंगे राक्षसों को, तो हमारा काम बनेगा, और ये तो यहां राजा बन रहे हैं और इतनी धूमधाम से तैयारी हो रही, इसका मतलब ये कल निश्चित रूप से राजा बन जाएंगे, और ये राजा बन गए तो गया ये युग पूरा खाली जाएगा। अब क्या करें महाराज,
अयोध्या में बाजे बज रहे हैं और देवता महाराज घबरा रहे हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, ऐसे ही देवताओं को अयोध्या का उत्सव नहीं सुहा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वार्थ यदि किसी उत्सव में पूरा ना हो तो उनको वो उत्सव नहीं सुहाता। जहां उनका स्वार्थ पूरा होता है वह तो काम उनको अच्छे लगते, लेकिन जिसमें उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो उनको नहीं सुहाता। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती है। महाराज वो सब जाकर के देवताओं ने जाकर मां सरस्वती को कहा कि माता जी आप अयोध्या में जाओ और कुछ ऐसी लीला करो कि राम जी को राज्य न हो और राम जी वन को चले जाएं। सरस्वती माता कहती अरे वाह, ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकी पराई विभूति, आगे लुका जो बिचारी बहोरी करी है चाह कुशल कवि मोरी। प्राणनाथ माँ सरस्वती कहती कि तुम ऊंचे घरों में रहते, तुम्हारी कितनी नीची करतूती है। यहाँ तो बेचारे सब खुशियां मना रहे, इनके पिताजी देखो इतना लाड चाव से सब तैयारी कर रहे, और तुम कह रहे कि मति बिगाड़ दो, राम जी को जंगल में भेजो। सोच रहे हो पीछे इन सब का हाल क्या होगा? अरे तुमको दूसरों का सुख तुमसे नहीं देखा जाता है, तुम मतलब ही हो देवताओं। लेकिन माँ सरस्वती ने सोचा कि चलो आगे काम अच्छा हो जाएगा, रावण मरेगा, राक्षस मरेंगे, तो इसलिए सरस्वती आई। लेकिन मां सरस्वती सोचती है मैं बुद्धि किसकी बिगाड़ूं, किसके अंदर प्रवेश करूं, मेरे भाई बहन सबकी मति में राम बसे हुए हैं, और जहां जिस मति में राम बसे हैं वो उस मति, वो मति कुमति कैसे हो। बेचारी सरस्वती घूम घूम के थक गई है, किसकी खोपड़ी बिगाड़ूं, किसकी खोपड़ी बिगाड़ूं। योग की बात, अयोध्या के किसी भी नागरिक में, अयोध्या के किसी जीव की मति में प्रवेश नहीं कर सकी। राम जी के प्रति जिसके, राम जी के प्रति जो दुर्भाव है वो दुर्भाव अवध के किसी प्राणी की मति में प्रवेश नहीं कर सकता। तो महाराज उसने देखा नाम मंथरा मंद मति चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फे। महाराज मंथरा नाम की एक दासी जो केकई जी के साथ आई थी शादी के समय, वो आई थी तो उसकी मति में सरस्वती जी ने प्रवेश कर लिया। महाराज अब उसने इधर उधर पता लगाया, भाई ये किस बात के गाजे बाजे बज रहे, क्या चल रहा है। तब कहीं से उसको पता चला कि राम जी को कल राजा बनाया जाएगा, ये उस बात का उत्सव चल रहा है। महाराज पता नहीं उसको क्यों तकलीफ हो गई, पता नहीं क्यों उसको बुरा लग गया। वो गई उदास होकर के केकई के पास गई, मुंह लटका के बैठ गई। प्राणनाथ केकई ने कहा री क्या बात है। महाराज मंथरा तो लंबी लंबी सांसें ले रही और लंबे लंबे आंसू, अरे बड़े बड़े आंसू निकल रहे। मंथरा कहने लंबी लंबी सांसें ले रही। महाराज रानी कहने लगी कहीं लक्ष्मण जी ने पिटाई तो नहीं कर दी तेरी। अरे बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोल क्या बात हुई। वो कहने लगी अरे मुझे कोई पीटो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई मारो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। केकई ने कहा मेरी चिंता, मेरी चिंता तुझे करने की क्या आवश्यकता है। बोले रानी गलतफहमी छोड़ दो कि अयोध्या में किसी को तुम्हारी चिंता है, मेरे सिवाय और कोई तुम्हारा हित सोचने वाला अयोध्या में नहीं है। ये मेरे भाई बहन घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, बिड़ाने वाले लोग जो होते हैं, ऐसे गड़बड़ कराने वाले लोग होते हैं, वो इतने बोलने में इतने होशियार रहते। अरे रानी मेरे सिवाय और कोई नहीं है आज तुम्हारा भला चाहने वाला,
आज अगर किसी का भला हो रहा है तो सिर्फ राम का भला हो रहा है। केकई जी की राम भक्ति देखिए, राम निष्ठा देख के केकई जी कहती हैं, अरे मंथरा कुबड़ी, राम के भले में ही अपना भला है। मंथरा कहती है, अभी तुझको नहीं सूझता है कि राम के भले में ही सबका भला है। जब कौशल्या झाड़ू लगवाएगी, जब कौशल्या सफाई करवाएगी, जब कौशल्या चरण दबवाएगी, जब कौशल्या फटे हुए कपड़े पहनने को देगी, तब कहना राम के भले में ही सबका भला है। अरे मंथरा तू क्या बोलती है? बोले हां मैं सही बोलती हूं, तू तो राजा के ऊपर कुछ हद से ज्यादा विश्वास करती है। अरे मैंने बचपन से तुझे गोद में खिलाया है, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आई हूं। बाकी मुझे क्या लेना देना, कोई राजा बनो कोई मंत्री बनो, मेरे घर में क्या आने जाने वाला है? तेरा दुख नहीं देखा जाता मुझसे, तेरा दुख। ऐसा करके मंथरा महाराज रोने लग गए। अब तो केकई एकदम भावुक हो गई, कहने लगी, ऐसी क्या बात हुई आखिर, बता तो सही क्या बात हुई? अरे तुझे पता नहीं है, मैं अभी सब जगह घूम घूम के आई हूँ, पूरे अयोध्या में उत्सव चल रहा है, तुझे कुछ खबर है किस बात का उत्सव चल रहा है? केकई ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। अरे राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने निश्चय कर लिया है, वे कल राम को युवराज देंगे। ए मंथरा इतनी बढ़िया खबर, बोल तुझको क्या दूं, ले हार ले ले, ये ले ले वो ले ले। मंथरा बोली, ये सब वैसे ही कोई कोई ले लेगा। अरे तू किस बात की खुशी मना रही? बोले राम, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। अरे कोई राम तेरा बेटा नहीं है, तूने हद से ज्यादा राम को अपना माना, तूने हद से ज्यादा राजा पर विश्वास किया। तू तो कहती ना महाराज, महाराज मेरे को बहुत मानते, ले इतना बड़ा निर्णय किया, तेरे को पूछा क्या? तेरे को पूछा? अब मेरे भाई बहन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुरुष को अपने अपनी मति से ही निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन माइया कह कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा? तो भाई कहेंगे, भाई ये तुम्हारा विषय ही नहीं है, इसमें तुमको क्या पूछना। तो ध्यान दीजिए, केकई को कहा मंत्रा के, तेरे को पूछा? तू तो कहती थी मुझे बहुत मानते बोलते, ले पूरी अयोध्या खुशी मना रही है, राज्याभिषेक की सब तैयारी हो गई है, और देवी जी को अभी कुछ मालूम भी नहीं है, ले और बता, तेरे बुरे दिन तो शुरू हो गए। अब तो भगवान मालिक है, तेरे साथ क्या क्या होगा, हे भगवान बचा लो इसको, इस देवी को बचा लो हे भगवान। मैंने जो पूजा पाठ जब तक तीर्थ सब किए, वो सब केकई को मिले, ये सुरक्षित रहे, ये नौकरानी ना बने, इसको झाड़ू ना निकालना पड़े, ये दुख ना पावे, हे भगवान हे भगवान। केकई घबराने लगी, ये सब क्या हो रहा है? और अपनी बातों से ऐसा उसने बवंडर फैलाया मंत्रा ने। मंत्रा कहती है कि देखो, राम की माँ दिखने में सीधी लगती है, पर वो अंदर से बहुत होशियार है, चुपके चुपके महाराज को खुश कर लिया और महाराज से वचन ले लिया, अब देख राम को राजा बनाया जा रहा है, वो राजमाता बनेगी और तू उसकी नौकरानी बनेगी। अरे राम की माँ ऐसा नहीं कर सकती। मंत्रा बोली, तुझे पता क्या ऐसा नहीं कर सकती, मैं सब कह रही हूं तुझे, सच कह रही हूं, मेरी बात माने तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज केकई को अब लगने लगा कि बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक कह रही है। अरे कौशल्या को सहन नहीं होता महाराज तेरे पास ज्यादा आते हैं, तो इसलिए उसने ये सब चाल चली है, तू मेरी बात मान। महाराज तरह तरह की कहानियां बता बता करके और मंथरा ने केकई को राम जी के विरोध में तैयार कर लिया और उसको बता भी दिया कि देख तेरे दो वचन बाकी हैं राजा में, वो तू मांग ले। उसको कहा, देख ऐसे नहीं, मैं जाकर के महाराज को प्रेरणा देती हूं तेरे पास आने के लिए, तू एकदम काले कपड़े पहन ले, अब बाल एकदम खुले कर दे, एकदम यूं ध ध ध बाल एकदम खुले कर दे और गहने सब उतार दे, काले कपड़े पहन के
और जमीन पर सो जा। जब महाराज आएंगे तेरी ये दशा देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा उनकी आदत तुझे एकदम सुंदर श्रृंगार में देखने की है। ऐसे जब तुझे देखेंगे तो एकदम विचलित हो जाएंगे। जब विचलित हो जाए बार बार जब तुझे कहे कि क्या बात है क्या बात है, जब बार बार कहे तब बोलना, और उसके बाद में भी उनसे दो वचन मांगना, और दो वचन भी जब तक सच्चे मत मानना जब तक वो राम की सौगंध न खा ले। जब वो कहे हाँ मुझे राम की कसम है मैं दूंगा, तब मानना। महाराज केकई के तो जैसे कोई मंत्रा गुरु हो गई हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना इधर उधर की करने वाले, वो अपनी बात को मनवाने में भी बड़े होशियार होते हैं। सामने वाले को ऐसा चक्कर में लेते पूछे, के गई तैयार हो गई, अपने आभूषण खोल के रख दिए और जमीन पर लेट गई, काले वस्त्र पहन के बाल खुले करके बैठ गई। दशरथ जी महाराज गए केकई के पास में, एकदम खुश जा रहे हो। अपने पीतांबर में कोई बढ़िया सी अंगूठी और बांध रखी है कि उसको बधाई दूंगा। एकदम खुशी खुशी गए राजभवन में, और जैसे ही राजभवन में गए तो देखे तो भाई दृश्य अलग ही बना हुआ। कुबड़ी पास में खड़ी है मुंह नीचा किए हुए, केकई बाल खुले करके, वस्त्र काले वस्त्र और एकदम गहने सब छोड़ करके लेटी हुई उल्टी। महाराज दशरथ जी ने कुबड़ी को पूछा, क्यों री मंथरा क्या बात है, रानी को क्या हुआ? बोले महाराज मैं गरीब दासी, मैं क्या जानू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप स्वयं जाइए पूछिए ना क्या हुआ, जाइए। दशरथ जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब दशरथ जी जाते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। हे सुलोचनी, हे सुमुखी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, जितनी बड़ाई कर सकते थे उतनी कर दी, के कुछ तो बोल, कोई तो बात बता, किसने तुझे दुखी किया, किसने तेरा बिगाड़ किया, तू किसके ऊपर नाराज है, सच सच बता। तेरे को जो मन हो वो तुझ मुझको मांग ले। केकई कहती है खाली मांग ले बोलते हो, कभी देते तो हो नहीं। दशरथ जी ने कहा तूने कभी मांगा नहीं तो मैं क्या देता था, आज कहे तो आज दे दूं। केकई ने कहा तो राम की सौगंध खाओ तब मैं मानूं। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृग, मनहु की रातिनी फंद। महाराज जैसे ही दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, तू जो मांगेगी सो मैं तुम्हें देऊंगा, जैसे ही ये राम की सौगंध खाई फट केकई उठ गई, कपड़े वगैरह व्यवस्थित पहन लिए, गहने पहन लिए, बाल बांध लिए, बोले अब आप चलो, अब आपको बताऊं क्या चाहिए। और महाराज उनको लेकर के बिठाया और बिठा करके कहा महाराज आप हमेशा देव देव कहते देते नहीं, आज आपने सौगंध खा ली है राम की कि मैं जो मांगूंगी सो दोगे, तो मेरे दो वरदान सुन लो। हाँ हाँ बोलो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरंदही जी का, दूसर मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी। महाराज मुझे दो वरदान दे दीजिए, एक से तो भरत को राजा बना दीजिए और दूसरा वरदान 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दीजिए। करुणा निधान, एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर बाज कैसे झपट्टा मारता है, ऐसा दशरथ जी को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे के ऊपर झपट्टा मार दिया। स्तब्ध हो गए श्री दशरथ जी महाराज। अरे केकई तूने अयोध्या उजाड़ दी, ये तूने क्या मांग लिया, अरे भाग्यवान कोई और वरदान मांग ले, तू तो राम से
से बहुत प्रेम करती थी, अचानक राम के प्रति तेरे मन में ये दुर्भावना कैसे आ गई? केकई कहती, दुर्भावना मेरे मन में नहीं, कौशल्या के मन में आई है। देखिए, आप उसके पुत्र को राजा बना रहे हैं। क्या मेरे भरत ने कुछ पाप किया है? क्या मेरा भरत आपका पुत्र नहीं है? राजा बनेगा तो भरत बनेगा। राम की माँ क्या समझती है, राम राजा बने और मैं यहाँ की नौकरानी बनूं? नहीं नहीं, वो महारानी, मैं नौकरानी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप कौशल्या की बातों में आकर राम को राजा बनाने का निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मेरे रहते मैं अपने बेटे का नुकसान नहीं होने दूंगी। दशरथ जी कहते हैं, केकई तुमको बड़ी भारी गलतफहमी हो गई। कौशल्या ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं राम को राजा बनाऊं। अरे मैं सब जानती हूं, मुझे मत कहो। क्या करें बताओ, कैसे समझाना राम महाराज? राजा के तो भाई छाती में मानो बाण लग गए हो। अरे अब घबरा क्यों रहे हैं आप? अब क्यों बेहाल हो रहे हैं? पहले तो कहा मांगो 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 मांगो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब व्याकुल क्यों हो रहे? जब मांगा तो, जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों कहा मांगो मांगो? दशरथ जी महाराज अपने वचन में फंस गए, अपने शब्द में फंस गए। करुणा निधान, सब लोग अगले दिन इंतजार कर रहे थे दशरथ जी का कि वे आएंगे और आज्ञा देंगे कि अब राज्य का कार्य ऐसे आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरे भाई बहन, दशरथ जी तो बेहाल पड़े हैं। सुमंत्र जी जो मंत्री हैं दशरथ जी के, वो आए। उन्होंने जब राजा की दशा देखी, उनको ये समाचार मिले, उन्होंने जाकर राम जी को अवगत कराया कि श्री दशरथ जी महाराज की ये दशा है। राम जी दौड़े दौड़े आए। श्री दशरथ जी बार बार राम जी को गले लगा लगा के रोते हैं, हा राम हा राम हा राम। राम जी अपनी माँ को कहते हैं, केकई अम्बा आप बताइए, तात इतने दुखी क्यों हैं, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? बोले, इनके दुख का कारण राम, तुम्हारे प्रति जो इनका मोह है, ममता है ना, वो इनके दुख का कारण है। ऐसी क्या बात है माँ? तब राम जी को बताया कि आपको वनवास दिया है और भरत को राज्य दिया है। राम जी इतने खुश हो गए, मेरा भरत, मेरा प्यारा भरत राजा बनेगा, हा, इससे बढ़कर के तो, अरे भरत राजा बने और उसके लिए मुझे जंगल में जाना पड़े, इस मौके को छोड़ने वाला तो कोई अभागा होगा, मैं निश्चित रूप से वन में जाऊंगा। केकई कहती, बस अपने पिताजी को संभाल लो, और तो क्या है। दशरथ जी अधीर हो रहे, मेरे भाई बहन अधीर हो रहे हैं। प्राणनाथ कैसे समझाना, अब क्या करना? श्री राम जी कहते हैं, पिताश्री आप सत्य संकल्प हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके वचन झूठे नहीं जाने चाहिए। आपने यदि कहा है तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। जो संतान सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बेटा तो वही भाग्यशाली जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करता है। और करुणा निधान, दशरथ जी को सांत्वना देकर राम जी कौशल्या अम्बा से मिलने आते हैं। कौशल्या अम्बा कहती है, बेटा यदि दशरथ जी ने तुझे आज्ञा दी होती वन गमन की तो मैं मना कर देती, नहीं जाना है। पर बाप से भी बढ़कर माँ की आज्ञा होती है, तुझे केकई माँ ने आज्ञा दी है तो बेटा जरूर वन में जाओ, बस जल्दी लौट कर आना और हमारे नेत्रों को अपने दर्शन का सुख प्रदान करना। इधर महाराज सीता जी को पता चला, सीता जी कहने लगी मैं तो जाऊंगी। अब राम जी समझाते हैं कि जंगल में बहुत तकलीफ है, लेकिन सीता जी कहती है कि क्या छाया बिना शरीर के रह सकती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप छोड़कर जाएंगे तो ये प्राण आएंगे पीछे, और तो कुछ नहीं। आखिर राम जी ने तैयार हुए, इतने में लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी को भी राम जी ने समझाया, पिताजी का ध्यान रखना, राज्य का ध्यान रखना, भरत शत्रुघ्न अभी यहाँ नहीं है। लेकिन लखनलाल जी कहते हैं, महाराज मेरे को ये सब मत फंसाओ, मैं तो निरंतर आपके चरणों में रहना चाहता हूं, सो मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने एक उपाय किया, राम जी ने सोचा कि ऐसी कोई बात अड़ा देता हूं जो पूरी ना हो और ये मेरे साथ न चले। और राम जी ने क्या बात अड़ाई, बोले जाओ सुमित्रा मैया से पूछ करके आओ, अगर सुमित्रा मैया ने कह दिया कि जाना है
तो चलना, अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं चलना। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान चतुराई कर रहे हैं, मां भला क्यों कहेगी जाओ, कौन मां अपने बेटे को ही जाओ जंगल में भटको। लेकिन जाकर के जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही पूछा सुमित्रा जी ने कैसे आया है, तब लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु राम और जानकी जी वन को जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूं सेवा के लिए, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। अरे महाराज, सुमित्रा जी बोली, तू मेरे ऊपर पाप चढ़ाने आया है? लक्ष्मण जी ने कहा मां पाप कैसा? अरे तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो बेटा ही राम और जानकी का है। अरे तेरे भाग्य से राम जी जंगल में जा रहे, तू पूछने को आया, ये मेरा दुर्भाग्य है, पूछने की जरूरत क्या, मैंने तुझे पैदा ही राम के लिए किया है मेरे भाई को, मैंने तुझे जन्म ही राम के लिए दिया है, तेरे भाग्य से राम जी वन को जा रहे, तुमरे भाग राम वन जाए, तेरे भाग्य से राम जी जा रहे, तुझे सेवा मिलेगी, इसलिए जा जल्दी जा। लखनलाल जी गदगद हो गए, मैं तो सोचा था मेरी मां भी रोने लग जाएगी, नहीं जा बेटा, पीछे ये कौन देखेगा वो कौन देखेगा, नहीं मैंने तुझे जन्म ही राम के लिए दिया। लखन तात तुम्हारी हे बेटा, तुम्हारी मां जानकी है, तात तुम्हार मां तु बैदे, तुम्हारी मां जानकी है। करुणा निधान देवर की दृष्टि अपने भाभी के प्रति मां के जैसी होनी चाहिए मेरे भाई, देवर अपनी भाभी को मां के समान पूज्य समझे। तो देखिए यही सूत्र दिया सुमित्रा जी ने लखनलाल जी को, बेटा तुम्हारी मां है जानकी, तुम जाओ और माता पिता की तरह सेवा करो। तीनों तैयार हो गए, कैकेयी ने वलकल वस्त्र भिजवा दिए, अयोध्या की माटी श्री अयोध्या की रज को श्री राम जी अपने साथ लेते हैं, वलकल वस्त्र पहन करके और प्रणाम करते हैं माँ कौशल्या अम्बा के चरणों में, श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी अधीर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, बोल नहीं पाते हैं, बड़ा हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या करें मेरे भाई बहन। आखिर श्री दशरथ जी सुमंत जी को कहते, तुम साथ में जाओ और इनको जंगल में घुमा के वापिस ले आना, मेरे यश अपयश की चिंता मत करो, पर राम जंगल में न जावे। दशरथ जी अधीर व्याकुल होकर कह रहे, प्राण तो दशरथ जी के कंठ में आ चुके हैं, सबको पता है कि इस कैकेयी ने खुद विधवा होने की तैयारी कर ली, कभी भी दशरथ महाराज के चक्रवर्ती महाराज के प्राण निकल जाएंगे, सब लोग चिंता कर रहे अब क्या होगा अब क्या होगा। पूरी अवध मार्ग पर आ गई और जैसे ही सुमंत जी राम जी को लेकर चले हैं, आहा हा पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। अरे राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे, राम वन को जाएंगे हम भी संग में जाएंगे, राम वन को जाएंगे हम भी संग में जाएंगे, राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे, राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे, राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे, तो रह ना पाएंगे, राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे।
पूरी में हम तो रहना पाए
भी संग में आएंगे, राम वापस आएंगे, हम भी संग में आएंगे, राम वापस आएंगे, तब हम भी संग में आएंगे, राम वापस आएंगे, तब हम भी संग में करके अपने कुलदेव को प्रणाम करके नगर के सब ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करके और पुनः पिताजी से आज्ञा लेकर के और श्री राम जी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। भरत राजा बनेंगे पर राज कहां करे, पूरी अयोध्या निकल पड़ी। केकई को कौन समझावे, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी ब्राह्मणों की बूढ़ी बूढ़ी पत्नियां, वो सब केकई को समझाने को गई और जाकर के कहा, देख मांजा अभी भी समय है, यह निश्चित समझ ले कि बिना राम के, यह निश्चित समझ ले बिना राम के महाराज के प्राण रहने वाले नहीं है। क्यों वैधव्य को निमंत्रण दे रही है, मान जा। लेकिन पता नहीं भाई क्या पक्का पाठ पड़ी के कई, टस से मस न हो, बोलने वाले भले ही बोलते जाएं। बेचारी सब निराश होके आ गई, भावी प्रबल है, कुछ नहीं कह सकते। इधर महाराज सब लोग प्रभु के साथ आ गए, पीछे पीछे करुणा निधान, सब लोगों ने वहां आकर के वो जमा हो गए। भगवान सरयू जी के पास आए हैं और सरयू जी के पास आकर के राम जी बहुत चिंता में पड़ गए कि इतने सारे लोग मेरे पीछे आ गए, अब क्या करें। करुणा निधान सब लोग सोचते हैं कि हम अब राम जी के साथ ही जाएंगे, लेकिन राम जी ने सुमंत जी को कहा है, सुमंत जी आप अपने रथ को इस प्रकार से यहां से लेकर के चलो कि किसी को पता ही न चले। और सुमंत जी इधर उधर से घुमा करके रथ आगे बढ़ा दिए। सब लोग सोते ही रह गए और सोते हुए सब लोगों को छोड़कर राम जी आगे बढ़ गए। अब सब इधर उधर सुबह उठे, सब इधर उधर दौड़ने लगे पर किसी को भी पता नहीं चला श्री राम जी का। करुणा निधान सब पछाड़ खा खा करके रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, ये मछली हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, देखो इस मछली को इसके प्रियतम पानी से कोई अलग करे तुरंत प्राण छोड़ देती है, और हमारे प्राण धन राम वन को चले गए, हम अभी तक जीवित बैठे हैं। मेरे भाई बहन, कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ लोग वापिस नगर में लौटे,
पर सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ नियम बना लिया, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, यूं नहीं करेंगे। मेरे भाई बहन सब ने, सब लोगों ने अपने जीवन को राम जी को समर्पित कर दिया। इधर मेरे भाई बहन चलते चलते सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। श्रृंगवेरपुर श्री राम जी पहुंचते हैं, वहां कंदमूल फल खाते गंगा जी में स्नान करते हैं, सारी थकावट दूर हो गई गंगा जी में स्नान करते ही। आप लोग भी अनुभव करते होंगे मेरे भाई बहन, गंगा जी में नहाते ही एकदम आनंद हो जाता है। यात्रा से आते हैं थकावट होती, लेकिन गंगा जी में नहाते ही गंगा जी सारे श्रम का हरण कर लेते। गंगा जी वास्तव में माँ है, माँ की गोदी में बच्चा जब भी आता है उसकी थकान दूर हो जाती। तो माँ माँ होती है मेरे भाई बहन। तो आते ही राम जी कहते सब थकावट दूर हो गई गंगा जी में स्नान करते मेरे भाई। इसलिए आप सब लोगों से विनंती है, बीमार नहीं हो तो गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए मेरे भाई। किसी के कोई ऐसी तबीयत ज्यादा ही खराब हो भाई तो उसको मैं नहीं कहता, लेकिन बाकी जो भी स्वस्थ मनुष्य हैं उन सबको यहाँ रहते हुए गंगा जी में अवश्य स्नान करना चाहिए। तीन समय गंगा नहावे बड़ी भारी महिमा है, लेकिन कम से कम दो समय तो जैसे तैसे भी हो नहाओ, क्योंकि दो टाइम मैं नहाता हूं। इसलिए तीन टाइम नहाता तो तीन का जोर देता था, लेकिन अब तीन नहाते नहीं तो जोर तो दे नहीं सकता। विधान तीन समय का है, तीन काल में स्नान करे गंगा जी का, ज्यादा भी करे तो कोई फर्क की बात नहीं। हमारे कुछ साथी अभी दो दिन पहले नहा करके आ रहे थे, रास्ते में हम मिले, वे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहाने जा रहे, चलो नहाने। बोले नहा के आए? हमने कहा तो फिर जाओ। बोले नहीं फिर चलेंगे। फिर नहा लिए प्राणनाथ, गंगा जी में बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता। एक बार पानी ठंडा लगता है और एक बार डुबकी खाने के बाद में फिर कुछ नहीं है, फिर तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतना आनंद आता है। कुछ तो है भाई, कुछ भी कहो, गंगा जी के जल में कुछ तो है। देखने में स्विमिंग पूल का पानी शायद ज्यादा साफ नजर आता है, लेकिन मेरे भाई बहन ज्यादा देर नहाए तो शरीर काला हो जाता है। मेरे भाई ज्यादा देर नहाए तो शरीर काला हो जाता है, और गंगा जी का जल भले मटमैला नजर आता है पर नहाने वाला हर व्यक्ति उज्जवल हो जाता है। मेरे भाई में नहाने वाला हर व्यक्ति उज्जवल हो जाता है, ऐसी गंगा मैया है मेरे भाई में। और ये सब प्रभाव क्यों है? भगवान की चरण की ये धारा है। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समान, जटा शंकरी नाम पड़ो है जगतारन को आई भज मन राम चरण सुखदा। ये राम जी के चरणों से निकली मां, राम जी के चरणों से निकली है, इसलिए इसकी बड़ाई है भाई। इसलिए जब गंगा में नहाए तो ये अनुभव करे कि प्रभु के चरण हमारे को स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरण हमको स्पर्श कर रहे हैं। तो राम जी को बड़ा सुख मिला गंगा जी में नहा करके, गंगा स्नान करके। कोई आलस्य मत करना भाई गंगा नहाने में, फिर से कहता हूं, जो नए नए लोग आए हैं वो भी ध्यान रखे मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं कि पानी को देख करके वो देख के नहीं, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, भगवान की कृपा है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं वहां जाए वहां बढ़िया है, उधर जाए उधर बढ़िया है। गंगा सर्वत्र एक है मेरे भाई बहन। स्थान स्थान अपने अपने महत्व के, वो एक अलग विषय, लेकिन गंगा का महत्व ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आई है उसने हर की पैड़ी का गंगा जल पिया तो उसका कल्याण होगा, ऋषिकेश का पिया तो नहीं होगा क्या? बोलिए। बेचारा कानपुर में रहता हो और कानपुर में भी गंगा जी जाती, वहां का पी लिया तो नरक में जाएगा? मेरे भाई बहन गंगा जी का महत्व कहीं कम नहीं, कहीं कम नहीं। ये मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुविधा में, महाराज बार बार फोन आ रहे हैं हर की पैड़ी नहाए कि नहीं, हर की पैड़ी नहाए कि नहीं।
नहीं नहाए तो अरे फिर क्या कर रहे हो, फिर क्या करे, ऐसे करे, अब क्या करना महाराज? सुन लीजिए मेरे भाई बहन, सब पेड़ियां अपनी अपनी है लेकिन गंगा सब दूर एक है, सब दूर एक है मेरे भाई। तो राम जी की सारी थकान उतर गई गंगा जी में स्नान करते, और जैसे ही श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को पता चला राम आए हैं, अरे महाराज उसने अपने पूरे गांव में खबर पहुंचाई, चलो सब चलो अपने पास में जो जो बढ़िया है वो लेकर के चलो, राम जी आए हैं। और सारे लोग निषाद राजगुरु के नगरी के पूरा गांव आ गया, पूरा गांव आ गया महाराज, पूरा गांव आ गया। और कोई फल लाया है, कोई फूल लाया है, कोई कंदमूल लाया है, और सब लाला करके राम जी के चरणों में रखने लगे महाराज। और राम जी के चरणों में रख करके और राम जी की जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। करी दंडवत भेट धरियागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। कैसे हो निषाद राजगुरु, भगवान ने हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया है, स्नेह प्रदान किया है। निषाद राजगुरु कहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन ले। आपके चरणों को देख करके मेरी कुशलता है। निषाद राजगुरु ने खूब राम जी की सेवा करी, रात्रि को विश्राम के लिए राम जी के लिए सुंदर सुंदर सुकोमल घास का बिछौना बनाया, लेकिन रोता है बेचारा देख देख करके कि अरे ऐसे रघुकुल मणि और वो ऐसे घास की चटाई पे सो रहे, चक्रवर्ती सम्राट के ये नायक हैं और ये इस प्रकार से सो रहे, बहुत रोता दुखी होता है। तब लक्ष्मण जी ने समझाया, भाई तू दुखी मत हो, काहु न को दुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरुन जहां लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो, धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरग नरक जहां लगी व्यवहारो, देखिय सुनिय गुनिय मन माई, मोह मूल परमारथ राई। इसलिए तू मन में शोक मत कर, ये सब तो विधि के बनाए हुए विधान है, इसमें तू कुछ हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राणनाथ इस प्रकार लखनलाल जी ने रात्रि को निषाद राजगुरु को सत्संग प्राप्त किया, खूब आनंद से सत्संग हुआ। अगले दिन प्रभु राम नहा धोकर के तैयार हुए, और तैयार होकर के और राम जी गंगा के किनारे पहुंचे, और जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे देखे तो गंगा का किनारा एकदम खाली पड़ा है, सिर्फ एक नाव पड़ी है। आवाज दी राम जी ने, अरे भैया नाव वाले जरा नाव लेकर आना। तो सामने से आवाज आई, अरे हम नहीं आने वाले। महाराज लखन जी को गुस्सा आ गया, बड़ी जल्दी आता उनको गुस्सा, राम जी को मना कर रही है। अरे मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। अरे लखन जी ने कहा, तू जानता है तू किसको मना कर रहा? बोले जानता हूं इसीलिए मना कर रहा हूं। अरे छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पहल ते न काट कठिनाई, पहल ते न काट कठिनाई, करनियो मुनि घरनी होई जाई, करनियो मुनि घरनी होई जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, प्रतिपा
केवट ने कहा मैं जानता हूं इसलिए मना कर रहा हूं। लखन जी ने कहा तू क्या जानता? बोले इनका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इनका मर्म नहीं जानते, तू नाव चलाने वाला कैसे जानता? बोले यही तो बात है, जो बात राजा की पत्नी नहीं जानती वो बात राजा का नहीं जानता है। तुमको क्या, मैं बताता हूं इनका मर्म। लखन जी ने कहा बता भैया जरा। तो केवट बोला छुवत शिला भई नारी सुहाई, मैंने सुना है इन्होंने अपने चरणों से एक पत्थर को छुआ तो उससे बड़ी सुंदर नारी प्रगटी। अरे भाई ये जो मेरी नाव है ये लकड़ी की है, इसको छुएंगे तो पता नहीं कौन देवी निकलेगी। और मैंने सुना नारी भी सामान्य नहीं, बहुत बड़ी नारी तरण्यु मुनि, मुनि की पत्नी एक देवी निकली। अब अगर मेरी नाव को ये पांव लगावे और मेरी नाव के अगर कोई देवी हो गई तो मेरी रोजी रोटी का क्या? अरे मेरे एक पत्नी है वही मेरे से नहीं निपती है, ये एक और आ जाएगी मैं इसका कहां संभाल करूंगा? अरे भाई सामान्य स्त्री अगर निकले तो उसको तो अपने काम पे लगा दूं, पर देवी का तो मंदिर बनाओ पूजा पाठ करो, इतना मेरे से नहीं होगा। मेरी तो रोजी रोटी से नाव से चलती है, अगर मेरी नाव चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं इनको नाव में बिठाने वाला नहीं हूं। राम जी मन ही मन हंस रहे, वाह भाई बढ़िया लाया तू। राम जी ने कहा भैया कोई तरीका अगर हो जिस उपाय से हम पार जा सकें तो जरा बताओ। बोले एक ही तरीका है प्रभु। क्या? बोले आपके चरणों को पहले धोऊंगा फिर आपको नाव में बिठा के पार करूंगा। लखन जी ने कहा अगर हम ये तरीका न अपनाएं तो केवट ने कहा फिर दूसरा एक ही तरीका है। क्या? बोले धोती ऊपर करो और उतरो पानी में, यही तक पानी है, करो पार। राम जी ने कहा भैया ऐसे नहीं होगा, जानकी साथ में ऐसे थोड़ी पार होगी। अरे भाई तू हमें संकोच में क्यों डालता है? तेरी नाव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू हमको बिठा करके और पार कर दे। केवट कहता महाराज लगता है संकोच में आप हैं, आप शायद सोच रहे होंगे कि नाव में बैठ करके जाएंगे, बदले में केवट ने कुछ मांग लिया तो क्या देंगे? मुझे आपके हालात पता है कैसे हैं, मुझे पता है आपके माता पिता ने आपको कुछ नहीं दिया है और ये वलकल पहना के भेजा है, आपके पास देने लेने को कुछ नहीं, तो मैं कहां मांग रहा हूं, आपको मुफ्त पार करूंगा। आप देखो सही, आपसे कुछ मुझको नहीं लेना, फ्री पाप पार करने बिना शुल्क के आपको पार करने वाला हूं। लक्ष्मण जी कहते भैया ये तो अपना पिता बन रहा है। राम जी कहते भाई मेरे भगत मेरे मां बाप होते ही। राम जी ने उसको निषाद को कहा कि यहां कोई और नाव वाला नहीं है क्या? बोले प्रभु नाव तो बहुत सारी है और बेचारे कल रात से नाव सजा रहे थे पर इसने सबका वो कर दिया कट। कैसे कर दिया? बोले महाराज एक बार जंगल में मेरे ऊपर कुछ जंगली राक्षसों ने कुछ जंगली डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, इसने मेरी मदद करी मेरी रक्षा करी, तो मैंने इसको कहा कि कोई वरदान मांग ले तो इसने कहा कि मैं बाद में मांगूंगा। अब बाद में कल रात को इसने आके कहा कि सुबह राम जी जाएंगे, नाव बहुत सारी है, मेरी नाव में राम जी जाए, इसलिए सबको कह दीजिए कोई अपनी नाव न लगाए। सो महाराज अब क्या करूं, मुझे कहना पड़ा, ये चक्कर है। राम जी ने कहा बाकी रख के मेरे पिताजी भी, और अब तूने बाकी रखा तो ले अभी। इसलिए महाराज तुरंत दान मां कल्याण, कभी बाकी नहीं रखना चाहिए, अच्छे काम फटाफट निपटाना चाहिए। करुणा निदान अब राम जी के इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। केवट कहता है चलना है तो यही तरीका है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई दस
दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर से मारे, बार बार धनुष ऊंचा कर रहे हैं लखनलाल जी, मुझे डर नहीं है। अरे इससे बढ़कर के और मरने का मौका कौन सा होगा? राम जी के छोटे भाई तीर मारे और मैं राम जी के सामने राम राम करता मरूं, इससे बढ़िया मौका क्या? मेरे तो सब प्रकार से जीत लो, मारो तो मारो। महाराज केवट ने कहा भले जो हो जाए, बिना पांव धोए तो पार करूंगा नहीं, और पांव जब तक नहीं धोऊं जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलो। हे भगवान, सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। महाराज राम जी हंस रहे हैं जानकी जी को देख के लखन ला, क्योंकि दोनों असमंजस में ये क्या हो रहा है व्यवहार, दोनों असमंजस में। करुणा निदान, कभी कभी कोई विशिष्ट पुरुष के पास में कोई सामान्य व्यक्ति आता है और वो विशिष्ट महापुरुष उसके साथ एकदम घुल मिल करके एकदम उसके साथ ऐसे बातचीत करने लगते हैं तो दूसरे लोग सोचते कि ये क्या हो रहा है, अरे ये इतने बड़े आदमी ये कैसे ऐसे कर रहे हैं एकदम। तो लखन जी भी और जानकी जी भी सोच रही है एक सामान्य सा आदमी ये बड़बड़ बड़बड़ जो मन में आ रहा बोलते, ये दशरथ जी की सौगंध खा रहा, लो इसकी औकात देखो, ये कह रहा मुझे दशरथ जी की सौगंध, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। अब महाराज राम जी को लगा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा ठीक है भाई केवट, जैसा करने से ये नाव चलती हो वैसा कर, ले आप जल और धो ले चरण। केवट बोला जी हुजूर, और केवट दौड़ा। लक्ष्मण जी बोल रहे इतनी देर से तो नाटक कर रहा था, ये करूंगा वो करूंगा, अब जब प्रभु ने आज्ञा दे दी तब भाग का रहा है। केवट बोला छोटे भैया जी, हूं तो मैं सामान्य केवट नाव चलाने वाला, पर थोड़ी सी अकल मेरे में भी है, मुझे भी पता है, बढ़िया काम करो तो पत्नी को साथ रखना चाहिए, लेने जा रहा हूं मैं आप और केवट गया अपनी श्रीमती जी को, अपनी पत्नी को आवाज देने, अरे सुन री जल्दी आ, सरकार ने आज्ञा दे दी है चरण धोए की, कछु पात्र लेके जल्दी आ जल्दी ला। अब बिचारी वो केवट की पत्नी सोचने लगी घर में कोई पात्र ही नहीं है चरण धोने के लिए, मेरे भाई बहन लकड़ी का एक कठोता, जैसे स्टील की परात होती ना ऐसे लकड़ी का एक कठोता, उसको लेकर के उसकी पत्नी आई। अरे केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आया। केवट कठौता भर के ले आया। लखनलाल जी ने कहा रे केवट तुझे और कोई बर्तन नहीं मिला, इस लकड़ी के परात में तू राम जी के चरण धोएगा? बोले महाराज छोटे भैया जी, हूं तो हम मूर्ख हूं तो पागल, लेकिन बताता हूं मैं ये कठोता क्यों लाया हूं। लकड़ी है ना लकड़ी, लकड़ी के अंदर जल को सौंखने का गुण है, लकड़ी के अंदर जल को सौंखने का गुण है, और ये सामान्य परात नहीं है, हम रोज इसी में आटा गूंथ करके रोटी खाते हैं, प्रभु के चरण धोऊंगा तो प्रभु का चरणोदक इस लकड़ी के अंदर समा जाएगा, उसके बाद जब जब भी हम इसमें आटा गूंथ के रोटी खाएंगे राम जी का चरणामृत रोज हमारे पेट में अपने आप पहुंचता जाएगा। एक छोटे से व्यक्ति का सद्भाव देखिए कितना गजब का है मेरे भाई बहन, एक छोटे से मनुष्य का सद्भाव कितना गजब का है, ये चिंतन से आया हुआ विवेक है मेरे भाई बहन, ये प्रेम के प्रभाव से पैदा हुआ विवेक है। अब मेरे भाई बहन खूब प्रेम से केवट राम जी के चरण धोता आया है, उसके सौभाग्य का कौन वर्णन करे, खूब प्रेम से राम जी के चरण धोता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मेरे भाई बहन अब देखो घटना क्या घटती है, राम जी के चरण धोता, कभी उलट के धोता कभी पलट के धोता है, कभी ऊपर करता धोता है फिर नीचे से धोता है, अब महाराज आराम से ठाट से धो रहा राम जी के चरणों को। अब जब चरणों को ऊपर नीचे करता तो रघुनाथ जी हिलते हैं डुलते हैं, हिलते डुलते तो महाराज अचानक पता नहीं क्या होता है, श्री रघुनाथ जी हिलते हिलते रघुनाथ जी के दोनों हाथ केवट के माथे पर आ गए। मेरे भाई
तो राम जी ने केवट के माथे पर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जैसे ही रघुनाथ जी के दोनों हाथ केवट के माथे पर पहुंचे बारसी सुमन सुग सबल पुण्य पुंज को पुण्य पुंज को देवता ये जयकार करने लगे, पुष्प बरसाने लगे और पुष्प बरसाते हुए देवता कहते हैं केवट जैसा सौभाग्यशाली आज धरती पर कोई दूसरा नहीं। हाथों में चरण है, राम जी के चरण इसके हाथ में और राम जी के हस्त कमल इसके माथ में। कहना ही क्या मेरे भाई बहन केवट के सौभाग्य का, चरण हाथ में, कर कमल माथ में और राम जी साथ में। मेरे भाई बहन इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य, इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा। अब चरण प्रक्षालन हुआ, केवट ने अपने वस्त्र से राम जी का चरण को पहुंचा। चरण पहुंचने के बाद राम जी बोले अब चले। बोले महाराज ठहरिए, अभी आप प्रतीक्षा सूची में हैं, वेटिंग में हैं। अरे राम जी बोले तू और कितना परेशान करेगा भाई। केवट कहता है भगवान आपसे पहले कुछ और यात्री आए हुए हैं, उनको पहले पार करूंगा फिर आपको पार करूंगा। राम जी ने कहा, लखन जी ने कहा यहां तो कोई नहीं दिख रहे। राम केवट बोला भगवान जब मैंने आपका चरण प्रक्षालन शुरू किया तो मेरे इस सत्कार्य के कारण, मेरे इस सौभाग्य को देख करके मेरे पितृगण आकाश में आ गए हैं प्रसन्न हो करके। अब महाराज पहले आप उनको पार करो फिर मैं आपको पार करता हूं। राम जी ने संकल्प के द्वारा उन सबको, जाओ भाई तुम सब पार हो तो मैं भी जाऊं, उन सबको पार किया। इसलिए तुलसी दादा लिखते पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय उले पार। अपने पितरों को पार करवा दिया और फिर नाव में बिठाया प्राणनाथ। सबसे पहले श्री जानकी जी को राम जी ने बिठाया नाव के अंदर, फिर खुद बैठे। पुरुष के लिए नियम है कोई सवारी पर चढ़े तो पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए फिर खुद बैठना चाहिए। तीनों बैठ गए, निषाद राजगु भी बैठे। नाव चली, अब आनंद लीजिएगा, नाव चली है। अब केवट जैसे ही किनारा नजदीक आता है फिर मोड़ लेता है, इधर जैसे किनारा फिर मोड़ लेवे, इधर किनारा वे फिर मोड़ लेवे। महाराज चक्कर ही चक्कर कटा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा रे तू पार क्यों नहीं कर रहा है, किनारा आता है तू नाव घुमा लेता है। केवट कहता प्रभाव वो बहाव बहुत तेज है और अंदर ही अंदर गंगा जी को प्रार्थना करता है कि आवाहो साथ गुनगुनाता है। अरे आवा हो जगन्नाथ के किवैया, अरे आवा हो जगन्नाथ के किवैया, हे राघव तुम बिन सुनी मोरी नैया, सुनी मोरी
हैया रे हैया गंगा मैया हो, हैया रे हैया गंगा मैया हो, हैया रे हैया गंगा मैया हो, हैया रे हैया गंगा मैया हो। तो स्मरण करूं, इस बार इच्छा थी और इस राम कथा का टाइटल भी बनाया था, केवट की नाव में राम कथा। तो भाव ऐसा था कि गंगा किनारे कथा होगी और नाव जैसी व्यासपीठ बनाएंगे और केवट की भाषा में राम कथा सुनाएंगे। केवट जैसे बोलता है, ग्रामीण बोल, केवट के जो ग्रामीण बोल, उस मैं कथा सुना, ऐसा मन में भाव बनाया था। लेकिन गंगा जी को अपनी गोद में बिठाना था इसलिए गोद में बैठे। फिर कभी गंगा जी कृपा करेंगी तो किनारे बैठकर फिर कभी हम लोग ऐसे ही गाएंगे। प्राणनाथ केवट पार नहीं करता, इधर ले फिर घुमा, इधर ले फिर घुमा। लखन जी ने कहा, रे भाई तू पार क्यों नहीं कर रहा है, काय को इधर उधर इधर उधर इधर से उधर इधर से उधर घुमा रहा है। केवट ने कहा, महाराज एक बात बताओ, वनवास किसने दिया आपको? बोले हमारी माँ केकई ने दिया। बोले केकई ने कोई जगह बताई क्या आपको कि 14 साल वहां जाके रहना है? बोले जगह तो कोई नहीं बताई। बोले जब जगह का टंटा नहीं, समय का टंटा नहीं, तो फिर आप काहे को टंटा करते? 14 साल व्यतीत करने हैं, 1-2 साल नाव में घूमिए ना, मैं आपको फ्री घुमा रहा हूं, फिर क्यों आप चिंता कर रहे हैं? लखन जी भैया को देखते हैं कि भैया का रुख क्या, और भैया का रुख है, भाई ये जो कहता तू आनंद ले, बस ये भोला भगत है जो बोले सो आनंद ले। और करुणा निधान, आखिर लगा राम जी को श्रम होगा, सो किनारे पर नाव लगाई रघुनाथ जी और उतरे हैं। उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, केवट उतरी दंडवत की। इतने समय तक तो महाराज केवट ने दंडवत प्रणाम नहीं किया, आप जब किनारे पर आ गए तब केवट ने दंडवत प्रणाम किया। लखन जी ने कहा, अब क्या प्रेरणा हुई तुझे? केवट कहता है, छोटे भैया मैं दंडवत का महत्व जानता हूं, दंडवत प्रणाम करने का मतलब है कि हम आपके लिए दंडे के जैसे हैं। दंड होता है ना, दंड, इसका आप ये दंड है तो इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप इसको सीधा रखो तो ये सीधा रहेगा,
टेढ़ा रखो तो ये टेढ़ा रहेगा, ऊंचा रखो तो ऊंचा रहेगा, नीचे रखो तो नीचा रहेगा, नीचे रख दो तो नीचे रहेगा, ऊपर रख दो तो ऊपर रख दे, पीछे रख दो तो पीछे रहेगा, कहीं रख दो तो वैसे ही रहेगा। दंडवत का मतलब ये होता है कि हमने अपने आप को हर प्रकार से आपके अधीन कर दिया, अब आप सोच लीजिए हमारा क्या उपयोग करना है। तो केवट ने कहा अगर आते ही मैं दंडवत करता तो फिर ये जो कहते वो मुझे करना पड़ता था, मैं अपना कहा का इनसे नहीं करवा सकता था, लेकिन मेरा जो मनोरथ था वो मैंने पूरा कर लिया, इसलिए अब मेरा समर्पण है। और केवट ने दंडवत प्रणाम किया श्री रघुनाथ जी के चरणों में। राम जी संकोच में आ गए, राम जी सोचने लगे कुछ भी हो इसकी रोजगारी तो यही है, मुझे कुछ तो देना चाहिए। मेरे भाई बहन, और राम जी ने सिखाया है ये, अपने मित्र की दुकान पर भी जाओ तो मुफ्त में कुछ मत उठा के लाओ भाई, देने को हो ही नहीं तो कोई बाधक नहीं है भाई, लेकिन पास में कुछ हो लेकिन फिर भी के कुछ नहीं, अपने दोस्त की दुकान है फिर भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, ये राम जी सिखा रहे हो। राम जी संकोच में आए कि भाई भले ही प्रेमी तो है लेकिन इसकी रोजी मुझे कुछ देना चाहिए, एक छोटा सा व्यवहार सिखा रहे हैं। तो देखिए महाराज, राम जी के मन में आई और सीता जी ने चुपके से राम जी के हाथ में पकड़ा दी महाराज एक अंगूठी। आपको पता है यही अंगूठी लेकर के श्री हनुमान जी महाराज गए थे जानकी जी के पास में संदेश लेकर के। करुणा निधान, ध्यान दीजिए, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया अपने पास और अपने पास बुला के कान में कहा, हनुमान तुझे एक बात बताता हूं, यदि कोई कारण से जानकी विश्वास न करे कि तू मेरा दूत है तो उनको बताना कि ये वही अंगूठी है जो आपने केवट को उतराई देने के लिए मुझे दी थी, ये बात जब तुम बताओगे तो जानकी को पक्का विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो, क्योंकि ये बात मेरे और जानकी के सिवाय और किसी को पता नहीं। मेरे भाई बहन, आप जरा देखिए कैसा दाम्पत्य जीवन, मेरे और जानकी के सिवाय किसी को पता नहीं कि ये बात है, लखन को पता नहीं जबकि साथ थे। राम जी के मन में आई, राम जी ने बोला नहीं कि मेरा कुछ मन कर रहा है, चुपके से जानकी जी ने हाथ में पकड़ा दिया। तो मेरे भाई बहन देखिए आपस की समझ कितनी है, आपस की समझ कितनी, राम जी को बोलना नहीं पड़ा और जानकी जी अपने आप समझ गई कि इस समय ऐसी परिस्थिति में इनके मन में क्या चल रहा होगा, परिस्थिति देखकर समझ गई। मेरे भाई बहन, सुगंधित दाम्पत्य जो होता है, पति की परिस्थिति देखकर पत्नी समझ जाती है कि क्या होना, तुरंत जानकी जी ने पकड़ाई और राम जी ने केवट को प्रस्तुत किया। केवट बोला, नहीं महाराज इतने सस्ते में नहीं निपटूंगा, इतने में मैं अपने नहीं महाराज, ऐसे नहीं चलेगा। कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। अरे महाराज, मैंने जिंदगी भर की मजूरी मुझे मिल गई, मेरी नाव में आप विराजे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, विरति बार मोही जो प्रभु देवा, विरति बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले, सो प्रसाद में सिर धरि ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिन दावा। महाराज आज मुझे सब मिल गया, मेरे जिंदगी भर की मजूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते फिर भी मेरे समाधान के लिए कुछ तो लो। तब केवट ने कहा, महाराज वापिस लौटते समय जब आप आएंगे उस समय कुछ देंगे तो मैं सोचूंगा लेना है कि नहीं लेना। और बाकी मेरे भाई बहन, केवट बोला, महाराज बाकी नाई से नाई नहीं लेता तो मैं आपसे कैसे लूं, नाई से नाई न ले, भाई से भाई न ले। लखन जी बोले, रे ये तेरे भाई कैसे हो गए बैठे बिठाए,
केवट बोला, महाराज धंधे से दोनों भाई हैं, ये भी पार करते मैं भी पार करता हूँ, ये बहु से पार करते मैं गंगा से पार करता हूँ, भाई भाई है हम लोग। मेरे भाई बहन प्रतिकूलता में भी ऐसे ऐसे आनंद से भरे हुए कोई मिल जाते हैं तो वो सब आनंद बदल जाता, प्रतिकूलता आनंद में बदल जाती। मेरे भाई भगवान गंगा जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ इधर श्री सुमंत जी महाराज ने बहुत प्रकार से राम जी को समझाया वापस ले जाने के लिए, पर राम जी नहीं माने, न जानकी जी चली न लखन जी। सुमंत जी निराश होकर के लौटे। इधर मेरे भाई बहन राम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रयागराज पर पहुंचे हैं, वहां पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया है, उनके साथ सत्संग किया है करुणा निधान। इसके बाद में राम जी आगे पहुंचे और वहां पर अगस्त मुनि के जो शिष्य हैं वो उनको मिले हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया करुणा निधान। किसी महादरिद्री ने उसको रत्न मिल गया हो ऐसा सुख उनको प्राप्त हुआ है। करुणा निधान आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं श्री लखनलाल जी के साथ में। मार्ग के लोग राम जी को देखते हैं, जानकी जी को देखते हैं, लखनलाल जी को देखते हैं, बार बार सोचते हैं विधाता ने ये कैसा योग बनाया, क्या ऐसे सुकुमार जंगल जाने के योग्य हैं। सब लोग बार बार विचार करते हैं। करुणा निधान राम जी जमीन पर सोते हैं तो लोग कहते हैं फिर विधाता ने सुंदर बिछौने किसके लिए बनाए, जब ये जमीन पर सोते हैं तो, जब ये कंद मूल फल खाते हैं पत्ते खाते हैं तो लोग कहते हैं फिर विधाता ने ये सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन आदि किसके लिए बनाए हैं। करुणा निधान कोई दशरथ जी को गालियां देता है तो कोई दशरथ जी को बढ़ाई देता कि अगर दशरथ जी ये काम नहीं करते तो हम लोगों को यहां बैठे बैठे राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी आगे बढ़े जा रहे हैं। इधर श्री सुमंत जी जो हैं पहुंचे हैं अयोध्या, और अयोध्या पहुंच करके दशरथ जी महाराज ने आते ही कहा सुमंत जल्दी बताओ क्या समाचार है, और सुमंत जी ने कहा महाराज मैंने बहुत चेष्टा करी लेकिन मैं कोई भी प्रकार से राम को नहीं ला सका, लखन वो भी नहीं आए, जानकी बोले उनको लाना तो बिल्कुल संभव नहीं था, यदि राम से विलग करके मैं उनको लाता तो मार्ग में ही उनके प्राण चले जाते, इसलिए महाराज मैं खाली रथ लेकर के आया हूं। अरे सुमंत अब तो मेरा जीना ही बेकार है। और मेरे भाई बहन बार बार राम जी को याद करते करते राम 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 उच्चारण करते हुए श्री दशरथ जी महाराज भगवान के धाम को प्रस्थान करते। अयोध्या सूनी हो गई, चारों तरफ शोक छा गया, सब रुदन कर रहे हैं, रानियां रो रही हैं, मंत्री लोग दुखी हो गए हैं। तुरंत वशिष्ठ जी ने आकर के और दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखवाया, भरत जी को समाचार दिए गए। भरत जी को अपशकुन हो रहे थे, भरत जी घबराने लगे क्या बात है, दौड़े दौड़े भरत लाल जी आए, दौड़े दौड़े भरत लाल जी आए, बार बार मन में चिंता हो रही क्या बात होगी क्या बात होगी। और महाराज आकर के देखा सारी अयोध्या शांत है, सारी अयोध्या शोक में डूबी हुई है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। करुणा निधान श्री भरत जी ने देखा सब रास्ते सूने पड़े हैं, बाजार बंद पड़े हैं, लोगों के मुंह उतरे हुए हैं। महाराज जैसे ही राजभवन में घुसे तो सबसे पहले उनकी माँ कैकेयी आरती की थाली लेकर खड़ी। भरत जी ने देखा पूरी नगरी में एक ये मेरी माँ ही मुझे हंसते हुए मिली है, बाकी सब दुखी थे रो रहे थे, ये क्या बात है। भरत जी ने पूछा कहू कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय बाता। हे माँ जल्दी से बताओ राम जी कहां है, मेरे पिताजी कहां है, लखन जी कहां है, माँ जानकी कहां है।
अरे के कई बोली, अरे बेटा वो सब तो मैं बता दूंगी, देख मैं तुझे पहले खुशखबरी देना चाहती हूँ। यहाँ अयोध्या में सब बात बिगड़ रही थी, लेकिन ये जो कुबरी है ना, इसने ये मंत्रा ने मेरी सहायता करी और मैंने सारी बात संवार ली बेटा, सारी बात संवार ली। खाली विधाता ने बीच में बात बिगाड़ दी कि राजा देवलोक चले गए। क्या? यह सुनते ही भरत जी पछाड़ खाकर गिर पड़े। हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी। अरे पिताजी, आप स्वर्ग जाते समय मैं आपको देख भी नहीं सका। अरे आप जाने से पहले मुझे राम जी को सौंप कर जाते थे। अरे मेरा हाथ राम जी को पकड़ा करके जाते थे। अब मेरा कौन सहारा, अब मैं किसके सहारे रहूं, अब मैं कहां जाऊं? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? महाराज केकई कहती, बेटा रो मत, तुम्हारे पिताजी बढ़िया काम करके गए, इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं। लो प्राणनाथ। भरत जी कहते, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और आप कह रहे हो पिताजी गए तो कोई दुख की बात नहीं है, अच्छा काम ही करके गए। क्या अच्छा काम करके गए? बेटा तुमको राज्य देके गए हैं और तुम निष्कंटक राज्य करो, इसलिए राम को मैंने 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है। महाराज भरत जी के मुंह से अब शब्द निकल गए, अरे पापिनी ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, पूरे कुल का नाश कर दिया, मेरे ऊपर कलंक का टीका आ गया, राम जी के वनगमन का कारण मैं हूं, पिता की मृत्यु का कारण मैं हूं, अयोध्या के लोगों के दुख का कारण मैं हूं। तभी मैं सोचता हूं कि अयोध्या में कोई मुझे प्रसन्नता से नहीं देख रहा, उसका कारण क्या है? अवध का दुर्भाग्य बनकर मैं प्रकट हुआ हूं, अवध का दुर्भाग्य बनकर मैंने जन्म लिया है। महाराज वशिष्ठ मुनि आए, बड़ी मुश्किल से भरत जी को समझाया, कौशल्या अम्बा ने समझाया, भरत तुम अपने आप को दुखी मत मानो, राम के मन में बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तुम अपने आप को दुखी मत करो। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं जी नहीं सकता राम के बगैर। वशिष्ठ जी ने बड़ी मुश्किल से समझाया, दशरथ जी का वह अंत्येष्टि कर्म सब संपन्न करवाया। कुछ समय बाद सभा जुड़ी और भरत जी महाराज ने अपना प्रस्ताव रखा, मेरा मन है हम सब मिलकर के वन में जाएं और भैया से विनंती करें, वे अवध आएं और वे राजा बने, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है। महाराज सबके मन में ये प्रस्ताव जच गया, क्योंकि राम दर्शन की अभिलाषा सबके मन में थी। सब तैयार हो गए, श्री भरत लाल जी तैयार, सब तैयार हो गए और राज्याभिषेक की सब सामग्री सब साज लेकर के और प्रस्थान किया मेरे भाई बहन चित्रकूट की तरफ, जहां श्री रघुनाथ जी निवास कर रहे हैं। भरतलाल जी जाते हैं, मार्ग में मेरे भाई बहन बार बार अपने दोषों को याद करते और भगवान के गुणों को याद करते हैं। मेरे भाई बहन संत बताते हैं, आचार्य लोग वर्णन करते हैं, मार्ग में जब से अवध से चले और चित्रकूट राम जी ने आलिंगन नहीं प्रदान किया, तब तक भरत जी के नेत्र से अश्रुओं की जो धारा है वो टूटी नहीं। मेरे भाई बहन भरत नाम ऐसा है पूछिए मत, राम प्रेम का यदि मूर्तिमंत स्वरूप कोई है तो भरत है। करुणा निधान मैं सोचता बहुत हूं कि भरत जी के विषय में कहूं, भरत जी की कथा आपको कहूं, लेकिन भरत नाम आते ही कंठ रुक जाता है, भरत नाम आते ही कंठ रुक जाता है। श्री राम जी से इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम भैया, और सब लोग वाहन में चल रहे हैं, भरत जी पैदल चल रहे हैं, भरत जी के पांव में कांटे कंकड़ चुभ रहे हैं, रक्त निकल रहा है,
बड़ी मुश्किल से भरत जी को कहा कि आप कुछ दूर सवारी पर बैठिए, नहीं तो सब उतर जाएंगे। अभी मेरे प्रभु जिस मार्ग पर इतना कष्ट उठाते हुए गए, मैं उस मार्ग पर चरण कैसे, उस मार्ग पर रथ कैसे चला। इतना उच्च कोटि का प्रेम है श्री भरत जी का। मार्ग में निषाद राज गुह ने देखा भरत जी आ रहे, पहले तो सोचने लगे कि ये जरूर कहीं राम जी के साथ विरोध करके तो नहीं जा रहा, लेकिन मेरे भाई बहन जो वहां अनुभवी लोग थे उन्होंने कहा हम भरत जी के पास भेंट लेकर के जाते हैं। तीन प्रकार की भेंट ले जाते हैं, एक कुछ वस्तुएं ले जाते हैं मोती मणि माणिक, एक मांस मच्छी ले जाते हैं और एक फल फूल ले जाते हैं। यदि इन्होंने मणि माणिक स्वीकार कर लिए तो समझ लीजिए कि ये रजोगुणी अपने राज्य का विस्तार करने को निकले, और यदि मांस मच्छी स्वीकार करे तो समझ लीजिएगा तमोगुणी है, ये राम जी को कानिष्ठ करने को निकले। लेकिन अगर फल फूल स्वीकार करे तो समझ लेना ये राम जी से प्रेम करने के लिए निकले मेरे भाई में। और ऐसा ही हुआ, भरत जी ने अन्य भेंट की तरफ दृष्टिपात ही नहीं किया, फल फूल लेकर सबको बांट। वशिष्ठ मुनि ने निषाद राज गुह को गले लगाया। बताइए, एक ब्राह्मण देवता मुनि श्रेष्ठ और एक जंगली जंगल के आदिवासी एक राजा को, कौल भीलों के राजा को गले लगा रहे। क्या देखा, ये राम जी ने इसको अपना प्रिय पात्र बनाया तो मैं इसको अपने से दूर क्यों रखूं। निषाद राज साथ चलते हैं। बताओ निषाद राज मेरे प्रभु कहां हैं, वो कहां सोए थे, जिस जगह पर राम जी सोए थे उस जगह को देख देख करके भरत जी रोते हैं। उस शैया का दर्शन किया जिस शैया पर श्री रघुनाथ जी लेटे थे, भरतलाल जी ने उस शैया को देखा, वो घास फूस से बनी हुई शैया। मेरे मालिक इस पर सोए थे मेरे भाई बहन। जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से उनके जीवन में सुख सुविधाओं का कोई विचार नहीं होता है, सुविधाओं का विचार भरत जी को होता तो अवध छोड़कर वन में क्यों आते। भरत जी तो अपने मन में यह सोचकर आए थे किसी स्थान पर पिता के किसी वचन की पूर्ति के लिए बड़े बेटे को जाना हो और बड़ा बड़ा बेटा व्यस्त तो वो न जा पाए तो छोटा बेटा जाके भी वो काम कर सकता है। मेरे पिताजी ने राम जी को वनवास दिया तो क्या हुआ, कोई ना कोई पुत्र वन में रह जाएगा, मैं वन में रह जाऊंगा और राम जी को अवध भेज दूंगा। भरत जी मन में तो ये सोच कर आए। भरत जी को पता है कि प्रभु राम किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे, उस समय मैं ये बात उनको कहूंगा कि मैं आपकी जगह वन में रहता हूं, आप अवध को संभाले। ऐसे श्री भरतलाल जी जा रहे हैं। मार्ग में जहां जहां प्रभु बैठे उस जगह को प्रणाम करते हैं। करुणा निधान प्रयागराज जब पहुंचे भरद्वाज मुनि के पास तो भरद्वाज मुनि को पूछा प्रभु यहां विराजे थे? हां। और भरत जी ने बताया भगवान मैं ही वो अपराधी हूं जिसके कारण राम जी ऐसा कष्ट उठा रहे। भरद्वाज जी कहते तुम अपराधी नहीं हो, तुम राम जी के सबसे अधिक प्यारे हो, तुम राम जी को सबसे अधिक प्यारे हो। भरत राम जी का तुम्हारे में कितना प्रेम है ये हमने गंगा स्नान करते समय देख लिया। भरद्वाज जी कहते जब प्रभु ने संकल्प करवाया जा रहा था ओम विष्णुर 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 आर्यावर्ते, और जैसे ही भरत खंडे भरत शब्द आया उस भरत शब्द को सुनकर के प्रभु अधीर हो गए।
मेरा भरत मेरा भरत कहकर प्रभु मूर्छित हो गए। बता, इतना प्रेम भरत तुझसे प्रभु करते हैं और तू अपने आप को अपराधी मानते हैं आप। जल्दी जाइए, चित्रकूट पर्वत दूर से दिख रहा है, कामदगिरी भरत जी वहां पर सवारी छोड़ दिए और दंडवत करते करते लेटते लेटते दंडवत करते करते आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु वातावरण में धूल उठते हुए देखी तो लखन जी देखने लगे। लखन जी ने देखा कि अयोध्या का सब साज आ रहा है। लखन जी ने कहा कि भैया लगता है भरत के मन में ऐसा आ गया ऐसा आ गया। राम जी बोले, लखन भूल कर भी ऐसा मत बोल। लेकिन राम जी ने सोचा, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि राम तो अपने भाई की बात कहेंगे। लेकिन आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने की दिशा बदल सकती है, समुद्र कदापि सूख सकता है, लेकिन भरत कभी भी राम जी के विपरीत नहीं हो सकते हैं। भरत कभी राम जी के विपरीत नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। प्रभु अब तो लखन जी को संकोच होने लगा कि मैंने क्या सोच लिया भरत जी के बारे में। साधु संतों के बीच में बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। करुणा निधान दूर से भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राजगुरु तीनों वो सबसे पहले आ गए और दूर से राम जी को देखा। भरत जी ने मन ही मन खूब प्रणाम किया और बार बार अपने दोषों को विचार करके सोचने लगे, मैं कैसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करूं, मैं कैसे जाकर झुकूं, मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मेरे कारण प्रभु वन में कष्ट भोग रहे हैं, मैं इनके दुख का कारण हूं, मेरे ही राज्य की भूख के कारण ये कष्ट उठा रहे हैं, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। मेरे भाई बहन, प्रभु राम भी बैठे तो है मुनियों के बीच में, लेकिन मन राम जी का भी नहीं लग रहा। लखन जी ने जब से संकेत किया कि भरत जी आ रहे हैं, अब मन नहीं लग रहा। जैसे कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाले होते हैं, अपने को जानकारी हो तो जब तक वो ना आवे तब तक मन नहीं लगता। राम जी के लिए विशिष्ट कौन है? ये जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो राम जी के लिए विशिष्ट है। मेरे भाई, जगत के लिए विशिष्ट वो होते हैं जो इनको कुछ देते हैं। हमारे स्वार्थ का संपादन जो लोग करते हैं हम उनको विशिष्ट मानते हैं। हमारे स्वार्थ का संपादन जो लोग करते हैं हम उनको विशिष्ट मानते हैं, पर जो प्रभु राम के प्रति प्रेम का संपादन करते राम जी उनको विशिष्ट मानते। मेरा भरत आने वाला है, मन इतना उत्साहित है राम जी का, पर कह नहीं रहे। राम जी सत्संग में व्यस्त, इतने में श्री भरत जी इतनी फुर्ती से आए और राम जी के सामने कब दंडवत करिए, कब लकड़ी की तरह गिर पड़े, ये किसी को पता नहीं चला। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुटकी। पाही नाथ कही पाई गुसाई, हे महाराज रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा कह करके दंडे की तरह गिर पड़े। राम जी को पता नहीं चला, लखन जी ने पहचान लिया। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। और महाराज लखन जी ने देखा भरत जी प्रणाम कर रहे, पर राम जी को पता ही नहीं है कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम कर ही रघुनाथ।
और जैसे ही लखन जी ने कहा प्रभु भरत प्रणाम कर रहे हैं, भरत क्या श्री रघुनाथ जी के मुख से शब्द निकले भरत, और उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कौपट कौ निशंग धनु तीरा। भरत नाम सुनकर के राम जी ऐसे अधीर होकर के उठे, पीतांबर कहीं गिर गया, धनुष बाण कहीं गिर गए, कंठ की माला टूट कर गिर गई, और पर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान, बिसरे सब ही अपान। ये रामचरित मानस का मेरे भाई बहन सबसे सुंदर आलिंगन है, सबसे सुंदर आलिंगन, जो 10 आलिंगन है उनमें सबसे सुंदर आलिंगन ये है, राम जी का और भरत जी का वो आलिंगन। दोनों विरही दोनों प्रेमी। तुलसीदास जी को कहना पड़ा राम प्रेम क्या है, ये भरत के बगैर जगत को पता नहीं चल सकता था। राम प्रेम क्या है ये भरत जी के बिना कुछ पता नहीं चल सकता। मेरे भाई बहन भरत जी मानस का ऐसा प्रेमी चरित्र है, क्या वर्णन करूं, मेरे को शब्द मिल नहीं रहे। आप सोच रहे होंगे महाराज ये नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, ये नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे, क्या कहूं। बार बार मेरे भाई बहन भरत जी का वह करुणामय भाव आंखों के सामने आता है। भय के मारे शरीर कांप रहा है भरत जी का, भय किस बात का, कहीं मेरे प्रभु नाराज न हो जाए कि तुझे आने की जरूरत कहां थी, तुझे किसने कहा यहां आने के लिए, भय से शरीर कांप रहा है, और प्रेम के मारे आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे हैं, विरह के मारे होठ फड़फड़ा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना सूझ नहीं रहा। प्रभु राम के प्रेम ने ऐसा अधीर कर दिया भरत जी को, वो रह नहीं सके महाराज। और सच्ची बात यह है कि यदि भरत जी चित्रकूट नहीं आते तो अयोध्या में जीवित नहीं रह सकते थे। भरत जी कहते हैं मैं राम आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, मैं राम आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। यदि भगवान प्रभु ने कहा कि जाओ भरत वापिस अयोध्या में जाकर संभाल करो, तो मैं एक बार भी प्रत्युत्तर नहीं करूंगा। मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, उनसे बिना मिले उनसे बिना बात किए 14 वर्ष का अंतराल कैसे व्यतीत होगा। उनका दर्शन करूंगा तो वे कृपा करके कोई ना कोई मेरे प्राणों का आधार बना देंगे। और दोनों गले मिल रहे हैं महाराज, बोल कोई कुछ नहीं रहा है, ना तो श्री भरत जी कुछ बोल रहे हैं और ना राम जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बिना बोले इतनी बात हो रही है पूछिए मत, बिना बोले इतनी बात हो रही पूछिए मत। करुणा निदान प्रेम की एक विशिष्ट स्थिति के बगैर ये काम नहीं होता, जहां सिर्फ आलिंगन से ही बात होने लग जाए, जहां सिर्फ आलिंगन से ही बात होने लग जाए। राम जी बार बार भरत का मुख देखते हैं, एक वात्सल्य से भरी हुई मां कैसे अपने शिशु को निहारती है, ऐसे राम जी बार बार भरत जी का मुख देखते हैं। भरत जी
अपना मुख ऊपर नहीं करते हैं या सोच करके कि मैं अपराधी हूं, प्रभु से नजर कैसे मिलाऊं। आज भरत जी को कुछ याद नहीं रहा, राम जी को पाकर सब कुछ भूल गए। पिता का मरण हो चाहे जो भी प्रतिकूलता, कुछ याद नहीं रहा, और राम जी को भी कुछ याद नहीं, और साथ में कोई आए हैं, गुरुदेव आए हैं, माताएं आई है, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रहा भरत जी को। मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, कभी कुल अगम करब मन बानी। मेरे भाई बहन, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, दोनों के प्रेम का, दोनों के मिलन का। करुणा निधान तुलसीदास जी को कहना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी भरत जी के प्रेम तत्व को नहीं पकड़ सकते, ये भी भरत जी के प्रेम तत्व को नहीं पकड़ सकते। देवता घबराने लगे, ऐसे प्रेम से मिलते देखा ना, देवता घबराने लगे कि कहीं भरत राजी करके वापिस ले गया तो अपना काम फिर रह जाएगा। फिर से सरस्वती माँ को कहा कि माँ फिर कुछ करो। माँ ने कहा तुम्हारी मति मारी गई है, तुम भरत की मति बिगाड़ने को कह रहे हो। अरे स्वप्न में भी भरत कभी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकता, भरत जी के द्वारा जो होगा उसमें सबका हित होगा, उसमें सबका हित होगा। करुणा निधान इसके बाद में फिर राम जी सब और नगर वालों से, माताओं से, आदि सबसे मिलते हैं। बहुत समय तक समाज वहां पर जुटा, राम जी की, भरत जी की, गुरु जी की सब वार्ताएं हुई। जनक जी भी पूरे समाज के साथ आए हैं, बड़ा सुंदर समागम वो रहा, और सब ने मिलकर राम जी से प्रार्थना की। पर राम जी ने कहा मेरे लिए यश इसी में है कि पिता की आज्ञा का आदर करके मैं वन का सेवन करूं, और 14 वर्ष की अवधि के बाद फिर मैं अवध आऊंगा। श्री भरत लाल जी राम जी से कुछ अवलंबन मांगते हैं, और श्री रघुनाथ जी भरत लाल जी को अपनी चरण पादुका अवलंबन के रूप में प्रदान करते हैं, और श्री भरत लाल जी उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और उन चरण पादुकाओं को ला करके अवध में स्थापित करते हैं, और उसके आधार पर मेरे भाई बहन राम राज्य का संचालन करते हैं। श्री भरत लाल जी के इस मंगलमय पावन चरित्र के साथ मानस आलिंगन का आज यह 8वां सत्र विराम लेने जा रहा है। राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, Jai Jai Ram, 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 Jai Jai
राधे